हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं जल्दी बता दीजिएगा। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल गाइज? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिएगा। अंशुल सोनी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चिंटी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? जल्दी से कंफर्मेशन दीजिएगा। अनिल कटारिया जी, नेहा जी, मीना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। संदीप जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो, प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल है, बहुत बढ़िया है ये बात हमारे लिए। तो यहाँ पर जल्दी से सेशन को शेयर कीजिएगा और बाकी बच्चे जुड़ जाएं तो हम अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कीजिएगा और बाकी बच्चे जुड़ जाएं तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सौरभ बैरा जी भी हैं, रोशनी जी भी हैं, ओके, मधुकर जी भी हैं। राम 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 मधुकर जी। चलो बिल्कुल भैया, हो गया, तुम काहे इतना पूछते हो। चलो ओके ओके। वेंकट रेड्डी जी, वेंकट रेड्डी जी भी आए, ओके, क्या बात है वेंकट रेड्डी जी, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को विदाउट एनी डिले नाउ। तो आज का जो सेशन है हमारा, आज का जो सेशन है वो आपका एसएससी जेई स्पेसिफिक सेशन हो रहेगा और हम बात करें किसी भी। हाँ, एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन? अनिल कटारिया जी बोले, अनिल कटारिया जी क्वेश्चन बोले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो अंशुल, थोड़ी काम की बातों पे भी ध्यान लगा लो यार, पढ़ने वढ़ने की। ठीक है, चलो आरुषि, राधे राधे, राधे राधे। चलो तो हम बात करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को विदाउट एनी डिले। तो सेशन को शेयर कर दो जल्दी से। और जो हमारा सेशन है आज का, वैसे तो ऑल स्पेसिफिक जेई एग्जाम्स के लिए है, लेकिन एसएससी जेई के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंटली है, क्योंकि हमने इस सेशंस के अंदर मोस्टली जो पीवाईक्यूज रखे हुए हैं वो एसएससी जेई के हिसाब से रखे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? मैं बहुत पोलाइट हूँ। अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सब आप लोगों की दुआएं हैं। एस एस सी मीन्स ऑल ऑफ दीज। अच्छा, ऐसा है क्या? मीन अभी गुप्ता जी बोल रहे हैं एस एस सी मीन्स ऑल ऑफ दीज। चलो स्टार्ट करते हैं। भैया किसका जो डाउट था भैया, कोई डाउट पूछने वाला था कोई कुछ? हाँ, कल से 9 PM पे क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू। अनिल कटारिया जी, बेटा जो प्रैक्टिस है, अगर जो जेई की वैकेंसी निकली है किसी भी एग्जाम में जेई की, तो जेई के एग्जाम्स के लिए हम बात करते हैं, सारे एग्जाम पेपर लगभग सेम होते हैं, क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट मुझे सिलेबस देखना पड़ेगा, पैटर्न देखना पड़ेगा क्या है, कि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर पाऊंगा कि उस एग्जाम में क्या तरीके के प्रीवियस ईयर पेपर में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, वो सारी कंडीशंस मुझे चेक करनी होंगी, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर दे पाऊंगा कि हाँ। बट हाँ, एसएससी जेई के जो पेपर्स हैं या किसी भी जेई एग्जाम्स के पेपर हैं किसी दूसरे जेई एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होते हैं, ये नो डाउट है, नो डाउट। शोल्डर में कैम्बर हमेशा रोड के कैम्बर से 0.5% ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को गाइस। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशंस को विदाउट एनी डिले नाउ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी सेशन को शेयर कीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को विदाउट एनी डिले। चलो, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, अमा मिया ये क्या हो रही है, तुम्हारे कमेंट रुके। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेशन विदाउट एनी डिले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट एडजस्टमेंट इन केस ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट। सबसे पहले ट्रांजिट थियोडोलाइट की बात करते हैं। ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है?
ट्रांजिट थेरुलाइट वो होता है जिसको हम बात करते हैं जिसके टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री घुमा सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ट्रांजिट थेरुलाइट निकल करके आता है। लेकिन अगर हम बात करें 180 डिग्री नहीं घुमा सकते हैं तो उसको नॉन ट्रांजिट थेरुलाइट निकल करके आ रहा होता है, ठीक है। अब परमानेंट एडजस्टमेंट की बात करें तो परमानेंट एडजस्टमेंट की बात करें तो परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है, हम बात करते हैं परमानेंट विच ऑफ नॉट अ परमानेंट है। तो परमानेंट जो एक्सेस होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है, एक वर्टिकल एक्सेस होती है और एक लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है, इन तीनों के रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है कि ये तीनों परमानेंट एक्सेस निकल के आती है। तो इसमें क्या बोला है, कौन सा परमानेंट एक्सेस, तो एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल, हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल का एडजस्टमेंट करना भी हमारा परमानेंट है। मतलब फोकसिंग, फोकसिंग करना हमारा टेम्परेरी एडजस्टमेंट में आ जाता है। किसमें आ जाता है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट में निकल के आ जाता है। और एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप लेवल और द एल्टीट्यूड लेवल प्लेट लेवल, इसको भी हम बात करते हैं किसमें, परमानेंट में आता है। और कॉलिमेशन एडजस्टमेंट भी किसमें आता है, परमानेंट में आ जाता है। तो हम बात करते हैं फोकसिंग जो आता है हमारा वो नॉन परमानेंट होता है। अच्छा, टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बात करें तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे निकालते हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बात करें टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ट्राईपॉड को स्टेबल करना, फिर उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट माउंट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के बाद उसकी सेंटरिंग करते हैं, सेंटरिंग के बाद क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, और लेवलिंग के बाद क्या कर रहे होते हैं, फोकसिंग कर रहे होते हैं। तो ये हमारा ऑपरेशन निकल करके आ रहा है, इसमें हमारा आ रहा होता है प्लेन सॉरी ट्रांजिट थियोडोलाइट के टेम्परेरी एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर वन की बात की, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू की बात कर लेते हैं यार, क्वेश्चन नंबर टू, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ वन लिंक इन 30 मीटर चेन शुड बी, द लेंथ ऑफ वन लिंक इन 30 मीटर चेन शुड बी, 30 मीटर चेन हो चाहे 20 मीटर चेन हो, किसी भी तरीके की चेन हो, ठीक है, दोनों ही चेन में अगर वन लिंक की बात की गई तो वन लिंक कितने का होता है, वन लिंक जो निकल कर आता है वो 20 सेंटीमीटर यानी 200 mm का निकल करके आ रहा होता है। कैसे निकालते हैं हम बात करें 20 मीटर चेन है तो 20 मीटर चेन के लिए कितना 100 लिंक्स होता है, तो वन लिंक्स इज इक्वल टू कितना होता है 0.2 मीटर निकल करके आता है, कितना 0.2 मीटर निकल करके आ रहा होता है, ठीक है। तो 0.2 मीटर हम बात करते हैं यहाँ पर निकल करके आ रहा होता है। अगर हम बात करें 30 मीटर चेन है तो उसमें भी कितना होता है, उसमें हम होता है 150 लिंक होता है, कितना 150 लिंक्स निकल करके आ रहा होता है। तो हम बात करते हैं वहां पर ये कंडीशन है, ठीक है, तो हम बात करते हैं ये कंडीशन। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 5 मीटर की चेन में कितनी लिंक होती है, जल्दी बताइए 5 मीटर की चेन में कितनी लिंक्स होती हैं, 25 लिंक्स होती हैं, ठीक है। और हम बात करें 10 मीटर की चेन की बात कर ले तो 10 मीटर की चेन में कितनी लिंक्स निकल कर आती हैं, हमारा 50 लिंक्स निकल करके आ रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो चेन कितने टाइप की होते हैं, सबसे पहले डिवीजन करते हैं चेन कितने टाइप की, चेन मेनली चार टाइप की होती है। पहला गंटर्स चेन जो कि 66 फीट की होती है और 100 लिंक्स हो रही होती है। दूसरा रेवेन्यू चेन 33 फीट की होती है और 16 लिंक्स हो रही होती है। उसके बाद हमारा आता है इंजीनियर्स चेन जिसमें हम 100 फीट की होती है और 100 लिंक्स हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारा मैट्रिक चेन निकल करके आता है जिसमें हम बात करें 20 मीटर और 30 मीटर चेन निकल करके आती है, ठीक है। तो ये हमने चार टाइप की चेन यहाँ पर बात की, उनके हमने बात की, लिंक्स वगैरह की और ये सारी चीज़ों की बात की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को टिक करते हैं 20 सेंटीमीटर और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑप्टिकल प्लेमेट इज यूज्ड इन टोटल स्टेशन। ऑप्टिकल प्लेमेट की बात करते हैं तो ऑप्टिकल प्लेमेट क्या निकल के आता है, तो ऑप्टिकल प्लेमेट की बात करते हैं तो ऑप्टिकल प्लेमेट किस लिए यूज किया जाता है, तो हम बात करते हैं ऑप्टिकल प्लेमेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम बात करते हैं यहां पर, तो ऑप्टिकल प्लेमेट की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिकल प्लेमेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट निकल करके आ रहा होता है। एक मिनट यार, क्या हो गया, हाँ ऑप्टिकल प्लेमेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट निकल के आता है, तो हम बात करते हैं ऑप्टिकल प्लेमेट ऐसा इंस्ट्रूमेंट निकल के आता है जो हमारा सेंटरिंग के लिए यूज करता है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम बात करें एक लेजर लाइट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के नीचे एक लेजर लाइट डली जाती है, वो नीचे जाती है और जहां पर जाती है वो हमारा सेंटर हो जाता है, वो हमारा क्या होता है सेंटरिंग। और जनरली हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं प्लम्ब बॉब को हम सस्पेंडेड नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्लम्ब बॉब अपने वेट के कारण स्टेबल नहीं हो पाता है, वो विंड के कारण यहाँ वहां घूम रहा होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल प्लेमेट यूज करते हैं। तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट हमने यहां पर बात की है और ये हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल करके आ रही होती है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का, कोइंसिडेंटली। क्लियर है बात।
अच्छा, टेकिंग द ऑब्जर्वेशन विदाउट अ टारगेट, विदाउट अ टारगेट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें भी लेजर यूज कर रख सकते हैं, ठीक है। प्रिसाइज टेस्टिंग के सेटिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। हमारे एक्यूरेट लेबलिंग एटेस्टेशन, लेबलिंग के लिए हम क्या करते हैं, लेबलिंग ट्यूब यूज करते हैं या लेबलिंग बबल यूज करते हैं, लेबलिंग ट्यूब यूज करते हैं या फिर लेबलिंग बबल, जो साइड में बबल लगे होते हैं उनको यहां पर हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता है। फोर्थ नंबर की बात करते हैं यहां पर, ऑन द रफ टेरेन, अगर हम रफ टेरेन की बात करते हैं, व्हाट इज द अचीवेबल एक्यूरेसी ऑफ चेन अंडर द कंडक्टिव कंडीशन। कंडक्टिव कंडीशन के अंदर जो हमारी निकल करके आती है अचीवेबल एक्यूरेसी निकल के आती है, वो अचीवेबल एक्यूरेसी कितना निकल करके आ रही होती है, अचीवेबल एक्यूरेसी कितना निकल करके आती है, जल्दी बताओ। तो हम बात करते हैं कितना निकल गया, 1 in 250 निकल करके आते हैं, कितना 1 in 250 निकल करके आ रहा होता है, 1 in 250 यहां पर निकल गया। अगर 1 in 1000 की बात करें तो क्या होता है, मेजरमेंट बाय स्टील टेप, मेजरमेंट बाय स्टील टेप, स्टील टेप के द्वारा मेजरमेंट करने पर हमारा ये निकल करके आता है, ये कंडीशन आती है। अच्छा, इनवार टेप के द्वारा जो हम बात करते हैं एक्यूरेसी कितनी होती है, इनवार टेप की जो एक्यूरेसी निकल करके आती है, वो इनवार टेप की एक्यूरेसी कितनी निकल करके आ रही होती है, इनवार टेप की एक्यूरेसी कोई बताएगा मुझे कितनी आ रही होती है, इनवार टेप की, इनवार टेप की जो एक्यूरेसी होती है 1 in 10,000 होती है अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली हम बात करें 1 in 10,000 निकल गया। तो यहां पर आंसर कितना है, 1 in 250 इज द राइट आंसर निकल करके आएगा, 1 in 250 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर 5 नंबर की बात करते हैं, द डिप एंगल फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट 80 मिनट इज इन मिनट, अगर रेडियस ऑफ द अर्थ हमने दे, ठीक है, बोले को तो टाइम दे दो, मतलब अच्छा टाइप करने दो, चलो कर लो टाइप, अरे टाइम दिया तो था यार, कैसी बातें कर रहे हो सौरभ आप, चलो ठीक है टाइम ले लो, आई डोंट लाइक दिस, क्या लाइक नहीं कर रहे भाई, क्या हुआ बापी जी, क्या हुआ, चलो क्या लाइक नहीं हो रहा बापी जी, जल्दी बताओ। तो हम बात करते हैं डिप एंगल ऑफ एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट 80 मीटर इन मिनट्स। तो देखो डिप एंगल की बात करें तो डिप एंगल यहां से हम यहां पर डिफाइन करेंगे, अगर हम बात करें एक ऑब्जर्वर है जो 80 मीटर पर खड़ा हुआ है, ये सरफेस है अर्थ की, यहां से 80 मीटर पर यहां पर खड़ा हुआ है, 80 मीटर पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके लिए हमें क्या निकालना है, डिप एंगल की कैलकुलेशन करनी है। तो यहां से यहां तक का जो एंगल आएगा वो क्या होगा, डिप एंगल आएगा। और डिप एंगल की बात करते हैं तो हम अगर डिप एंगल कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2h अपॉन आर होता है, 2h अपॉन आर निकल करके आता है। तो 2h लगा दो, 2 into 80 अपॉन आर की वैल्यू 6370 किलोमीटर को किसमें कर देंगे हम, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, बस ये हमारा एंगल निकल के आ जाएगा, जो डिप एंगल निकल के आ जाएगा। बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, तो मिनट में निकालना है बेटा, मिनट में। तो ये किस में आएगा, ये आएगा जो भी वैल्यू आ रही है वो एक्स रेडियन निकल गया है, ठीक है। तो हम कहे ये कितना निकल गया, एक्स रेडियन, और एक्स रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, एक्स रेडियन को कन्वर्ट करेंगे किस में, मिनट में कन्वर्ट करना है, एक्स रेडियन को किस में, मिनट में। तो सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करोगे, हम बात करें पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू हम बात करते हैं 180 डिग्री, और इसी को हम बात करेंगे 180 into 60 मिनट निकल करके आएगा। तो ये हमारा क्या निकल करके आ गया, 180 into 60 मिनट निकल के आ गया। अब हमें कितना रेडियन है, वो एक्स रेडियन जो भी वैल्यू आई है एक्स रेडियन, तो एक्स रेडियन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, हमने इस तरीके से यहां पे करना है, ठीक है, क्लियर है बात। चलो तो हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल करके आती है, ठीक है। तो फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ का हमारा आंसर कितना आ रहा है, फिफ्थ का आंसर बताओ, फिफ्थ का आंसर आ रहा है 17.22 आ रहा है, 17.22। समझ में आया किस तरीके से कन्वर्ट करना है, आप लोगों ने शायद ये एक्स रेडियन वाली जो वैल्यू आई है वही फाइनल वैल्यू मान ली है, ऐसा हुआ है क्या,
तो हम आते हैं उसको किस में, उसको हमें डिग्री या मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो हम आते हैं फिफ्थ का बात करते हैं, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। सिक्स नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, एम वन एंड एम टू आर द मेंबर्स ऑफ टू इंडिविजुअल सिंपल ट्रस्ट ऑफ अ कंपाउंड ट्रस्ट, देन द कंपाउंड ट्रस्ट विल बी रिजिड एंड डिटरमाइन इफ। अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड ट्रस्ट की बात करें, कंपाउंड ट्रस्ट विल बी रिजिड एंड डिटरमाइन इफ, गलती हो गए, गलती से मिस्टेक कर दिए क्या आप लोग? तो हम बात करते हैं वो कंडीशन क्या निकल के आती है, जल्दी जल्दी बताओ कंडीशन क्या निकल के आती है। कंडीशन डायरेक्टली निकल के आएगी m इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस थ्री निकल के आएगी, c नहीं d होगा, प्लस टू नहीं, क्यों? यहां पर तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, इनिशियली तीन कंडीशन लगाते हैं, वो कौन सी? समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो और समेशन m इज इक्वल टू जीरो, एम जेड बोल लो, एम एम इज इक्वल टू जीरो निकल करके आती है। तो हम बात करते हैं ये तीनों चीजें निकल करके आती है, तो हम बात करते हैं तो वो कंडीशन निकल करके आ रही होती है। तो हम बात करते हैं यहां पर कितना होगा, ऑप्शन नंबर फोर यहां पर आंसर निकल करके आएगा, तो ऑप्शन नंबर फोर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर सेवेंथ नंबर की बात करें, प्लास्टिक एस्फाल्ट इज, ठीक है, ओके बापी जी, चलो तो हम बात करते हैं यहां पर प्लास्टिक एस्फाल्ट इज, प्लास्टिक एस्फाल्ट की बात करते हैं, तो प्लास्टिक एस्फाल्ट इज, प्लास्टिक एस्फाल्ट क्या था, यूज्ड एज अ वाटर प्रूफिंग लेयर ओवर द रूफ, नहीं, हम बात करें प्लास्टिक एस्फाल्ट कभी भी वाटर प्रूफिंग लेयर के फॉर्म में यूज नहीं होगा, यूज्ड इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एस्फाल्ट, बिल्कुल हम बात करें सीमेंट और एस्फाल्ट का जो मिक्सचर निकल कर क्या था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्लास्टिक एस्फाल्ट बोल रहे होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे थे, प्लास्टिक एस्फाल्ट बोल रहे होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल नेचुरल अस्फाल्ट, अगर नेचुरल अस्फाल्ट होता है तो क्या ये नेचुरल अस्फाल्ट भी निकल करके नहीं आता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, रिफाइनरी प्रोडक्ट है क्या, वो रिफाइनरी प्रोडक्ट भी निकल करके नहीं आता है। अच्छा, ये किस लिए यूज होता है, जो क्रैक्स वगैरह फिल करने पड़ते हैं रोड्स वगैरह पे या कहीं पर भी, जो हम बात करते हैं क्रैक्स वगैरह फिल करने पड़ते हैं तो पैचेस लगाने पड़ते हैं, उन सभी के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, प्लास्टिक अस्फाल्ट यूज कर रहे होते हैं। क्रैक्स वगैरह या पैचेस वगैरह, पैच वर्क जो करते हो रोड पर, उन सभी के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक अस्फाल्ट का यूज किया जाता है। तो सेवेंथ की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। ठीक है, एट्थ की बात करते हैं यहां पर, फॉर हम बात करें फॉर वाटर बाउंड मैकेडम इन लोकेलिटीज ऑफ हैवी रेनफॉल द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर इज, रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर इज, हमसे क्या पूछा जाए, वाटर बाउंड मैकेडम की। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पे, देखो जो हमारा कैम्बर वैल्यू है, कैम्बर वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करता है, एक हमारा डिपेंड करता है टाइप ऑफ रोड पर, टाइप ऑफ रोड पर डिपेंड कर रहा है, और एक हमारा डिपेंड करता है क्या है, हैवी टाइप ऑफ रेनफॉल, और रेनफॉल पर डिपेंड करता है या रेनफॉल इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर तो डिफरेंट तरीके के रोड्स होते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्क्रीट रोड की, कॉन्क्रीट रोड, या हम बात करते हैं थिक बिटुमिन रोड, या थिक बिटुमिन रोड की बात कर रहे होते हैं, कॉन्क्रीट रोड या थिक बिटुमिन रोड की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे हैवी रेनफॉल के लिए, और हम बात करते हैं यहां पर किसके लिए बात करेंगे, लाइट रेन के लिए, हम यहां पर बात कर लेंगे लाइट रेन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम आते हैं थिन बिटुमिन रोड की बात करेंगे, थिन बिटुमिन रोड की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे यहां पर WBM की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे यहां पर अर्दन रोड की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे किसकी, अर्दन रोड की बात करेंगे, तो अर्दन रोड की बात करेंगे, अर्दन रोड की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहां पर क्या निकल करके आएगा, इसकी वैल्यू देखो कितना होता है, ये 1.7% होता है, ये कितना होता है 2%, और 2% का मतलब क्या 1/50 लिख सकते हो या नहीं, 2% का मतलब क्या 1/50 लिख सकते हो या नहीं, और इसका मतलब क्या होगा 1/60 निकल करके आएगा अप्रॉक्सीमेट या नहीं, 1/60 निकल करके आएगा या नहीं, और अगर हम बात करते हैं इस वैल्यू को उठा करके यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये 2% आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2.5%, और 2.5% की बात करते हो कितना 1/40 निकल के आएगा या नहीं, और 2.5% यहाँ उठा के ले आते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3%, और 3% की वैल्यू बात करें कितना 1/33 निकल करके आता है, कितना 1/33 निकल करके आता है, और 1/33 को उठा करके यहाँ रख दो 3%, और यहाँ पर कितना आता है वो 4%, यानी
1/20 निकल करके आ जाता है, कितना 1/20 निकल करके आ जाता है। तो हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर कि अर्दन रोड की वैल्यू की बात करते हैं, सॉरी WBM की बात करते हैं और हैवी रेनफॉल एरिया में बात करते हैं, तो हमारा कैम्बर वैल्यू कितना निकल करके आएगा, हमारा कैम्बर वैल्यू निकल के आएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है बात। तो हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन यहां पर निकल के आएगा, सभी को क्लियर हो रहा है, सभी को ध्यान हो रहा है यार, बातें बातें बंद कर दो, तुम लोग यहां पर कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है, केवल आंसर दो यार, क्लियर है बात। चलो मीना जी प्लीज कीप साइलेंट, कोई भी बात नहीं करेगा, केवल आंसर पर ध्यान दो, बाकी सब मुंह में आया छोड़ दो, जवाब तुम्हारे एक्शंस होने चाहिए, तुम्हारे वर्ड्स नहीं, ठीक है, जवाब तुम्हारे एक्शन होने चाहिए, वर्ड्स नहीं। ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम ऑफिस में होगे और कोई ने किसी ने कुछ बोला होगा, क्या हर एक से लड़ते रहोगे, छोड़ो यार, कितनी बार बता दिया है, ठीक है। तो हम बात करें हैवी रेनफॉल एरिया में ये है और लाइट रेनफॉल एरिया में ये है। चलो क्या हैवी रेनफॉल में कितना 1/30, रियल बात बिल्कुल, चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, चलो स्टार्ट करते हैं, क्या हैवी रेनफॉल में 1/30 आएगा, कौन बोल रहा है भैया 1/30, भैया 1/30 क्या दिया है, 1/30 पता है वो एक आंसर दिया गया था SSC ने, ब्लेज रोड के लिए, ब्लेज रोड के लिए लाइट रेनफॉल में उसने बोला था कि 1/30 होगा, बल्कि ब्लेड रोड के लिए क्या होना चाहिए, अर्थन रोड की कंडीशन निकल के आना चाहिए, तो वहां पर 1/33 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाइन्थ नंबर की बात करते हैं यहां पर, द मैन होल इज जनरली क्लासिफाइड एज अ डीप मैन होल इफ इट्स डेप्थ इज मोर देन, अगर हम बात करें मैन होल इज मेनली क्लासिफाइड एज अ डीप रेन होल इफ इट्स विर्थ, अगर हम बात करें इसकी विर्थ को हम बात करते हैं क्या निकल करके लाएगा, तो हम बात करते हैं इसका कितना है, सॉरी इट्स डेप्थ इज मोर देन, डेप्थ किससे ज्यादा होता है 1.5 मीटर से ज्यादा होता है, तो हम बोल करें ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीक में हम व्यापम के लिए रखेंगे, अंबिकेश जी नेक्स्ट वीक में व्यापम के लिए रखेंगे, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं 1.5 मीटर की बात करते हैं, ठीक है, टेंथ नंबर की बात करते हैं, द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑन एन एरियल फोटोग्राफ डिक्रीजेस विद द, अगर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं एरियल फोटोग्राफ पर किसके साथ डिक्रीज हो रहा होता है, तो हम बात करते हैं किसके साथ डिक्रीज हो रहा था, तो हम बात करते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है RH/H निकल के आता है, तो RH/H तो डिक्रीज इन द फ्लाइंग हाइट, तो कैपिटल H क्या होता है फ्लाइंग हाइट होती है, और फ्लाइंग हाइट से क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल करके आ रहा है, तो हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है, तो फ्लाइंग हाइट बढ़ने पर ये घटेगा, तो डिक्रीज इन द फ्लाइंग हाइट तो क्या करेगा डिक्रीज होगा क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो हम कहते हैं क्या है हमें देखना है यहां पर है कि इंक्रीज इन फ्लाइंग हाइट होने पर यह होगा, बिल्कुल सही बात है, डिक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, तो देखो अगर हम आते हैं RD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, R का मतलब क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट निकल करके आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, और डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट से दूरी घटने पर RD भी क्या हो रहा है घट रहा है, मतलब हमारा जो यहां पर वैल्यू निकल के आएगा, तो ये भी ऑप्शन सही है, अब दोनों ऑप्शन सही है, ये क्या किया जाए, तो ये ऑप्शन नंबर फोर पे जाएंगे हम, बोथ BNCR द करेक्ट, बोथ BNCR द करेक्ट, यहां पर निकल के आया था बोथ BNCR द करेक्ट, और इसके अलावा क्या वैल्यू होती है, इसके अलावा हमारी वैल्यू होती है RH/H निकल करके आया था, तो ये वैल्यू भी यहां पर निकल जाती है, तो इस वैल्यू के थ्रू भी हम यहां पर आंसर RR0 हम बात करते हैं, इस वैल्यू के थ्रू भी हम यहां पर आंसर निकाल करके ला रहे होते हैं, ठीक है। तो टेंथ की बात करते हैं यहां पर, इलेवेंथ की बात करते हैं यहां पर, हम बात करते हैं एन इंजीनियर इज डिजाइंड अ 3-phase ट्रैफिक सिस्टम विद एन ऑल रेड टाइम ऑफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग 12 सेकंड, इफ वेबस्टर्स मेथड इज यूज देन व्हाट इज द टोटल लॉस टाइम पर साइकिल, हमें टोटल लॉस टाइम निकालना है पर साइकिल टोटल लॉस टाइम, तो हम बात करें क्या है पेडेस्ट्रियन ऑल रेड टाइम कितना दिया है, दिस वन 12 सेकंड दिया गया है, ठीक है, तो हम बात करें कितना 2N+R होता है,
कितना होता है टोटल लॉस टाइम की बात करें तो टोटल लॉस टाइम कितना होता है, टोटल लॉस टाइम होता है एल इज इक्वल टू टू एन प्लस आर, और टू एन प्लस आर, ठीक है, टू एन प्लस आर। तो एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फेजेस, एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ फेजेस, और एन का मतलब अगर नंबर ऑफ फेजेस होता है तो नंबर ऑफ फेज कितने दिया है, थ्री फेज सिस्टम दिया गया है। तो हम अगर टू इंटू थ्री प्लस कितना ऑल रेड टाइम, अगर हम क्या ऑल रेड टाइम फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एस 12 सेकेंड, कितना लिया 12 सेकंड, तो कितना 12 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18 सेकंड निकल करके आएगा, कितना 18 सेकंड निकल के आया। अच्छा वेबस्टर मेथड क्या होती है, मोस्ट रैशनलाइज मेथड होती है। इसमें पहला स्टेप क्या होता है, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ निकालना। तो ऑप्टिमम साइकिल लेंथ कैसे निकालते हैं, 1.5 L प्लस 5 अपॉन 1 माइनस Y निकल के आता है, 1.5 L प्लस 5 अपॉन 1 माइनस L यहां पर निकल करके आ रहा होता है। तो ये कंडीशन भी यहां पर निकल करके आ रही होती है, तो हम बात करते हैं ये कंडीशन है। Y क्या है, Y जो होता है वो रेशियो होता है किसका, L की वैल्यू तो हमने यहां पर लिख ली, ठीक है। Y क्या होता है, रेशियो होता है, अगर हम बात करें किसका, Y1 प्लस Y2, और Y1 प्लस Y2 क्या है, वो रेशियो होता है, समेशन ऑफ रेशियो होता है किसका, हम बात करते हैं नॉर्मल फ्लो ऑन रोड 1 अपॉन सेचुरेशन फ्लो। Y2 की बात करें तो नॉर्मल फ्लो ऑन रोड 2 इंटू सेचुरेशन फ्लो निकल करके आता है। तो ये कंडीशन यहां पर निकल करके आ रही होती है, Y1 Y2 की वैल्यू रखेंगे और ये रखेंगे, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलो सेचुरेशन अपॉन नॉर्मली, नॉर्मल अपॉन सेचुरेशन फ्लो होता है, नॉर्मल अपॉन सेचुरेशन फ्लो होता है तभी तो एक से कम आएगी वैल्यू, अगर सेचुरेशन अपॉन नॉर्मल कर दिया तो एक से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, एक से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ग्रीन टाइम की कैलकुलेशन करते हैं और अंबर टाइम को दोनों सारे फेजेस में क्या मानते हैं, सेम मान करके आंसर निकालते हैं। अंबर टाइमिंग को सारे फेजेस में सेम मान करके हम आंसर निकाल करके लाते हैं। तो हम 11th की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर निकल गया, ठीक है। चलो 12th की बात कर रहे होते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल विच परमिट्स वाटर टू परकुलेट थ्रू इट्स इज कॉल्ड, अगर हम आपके प्रॉपर्टी बताइए सॉइल की जो उसको उसके वॉइड से वाटर को पास होने की परमिशन दे रही होती थी, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परमिबिलिटी। और अगर कैपिलरिटी की बात करें, कैपिलरिटी क्या होता है, जो सॉइल का है, तो हाँ जो हम बात करते हैं सॉइल का है, कैपिलरी की बात करें, कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी जो निकल करके आता है वो क्या होता है, वो होता है कि पानी का किसी वॉइड्स के थ्रू ऊपर की तरफ चढ़ जाना, वो हमारा कैपिलरिटी निकल गया। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड क्या निकल के आता है, मॉइस्चर कंटेंट यहां पर निकल करके आ रहा होता है। तो हम बात करते हैं यहां पर इसको क्या बोल रहे होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट निकल के आता है। तो हम बात करें 12th का, हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो तो अब परमिबिलिटी की बात करें, तो परमिबिलिटी किससे निकालते हैं, इसमें कौन सा लॉ वैलिड होता है, हमारे डार्सीज लॉ के बेसिस पे हमने इसकी वैल्यू देखी थी, हमने बात की हुई थी वी इज इक्वल टू के आई निकल कर जाते, जहां के इज इक्वल टू वी अपॉन आई, जहां आई क्या है, जो ग्रेडियंट है वो निकल करके आ रहा होता है, आई की वैल्यू यहां पर ग्रेडियंट के फॉर्म में निकल करके आ रही होती थी, ठीक है। तो हमने बात की यहां पर कौन सा 12th का, 13 नंबर की बात करते हैं, अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ दिस वन, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ दिस वन, अगर पॉपुलेशन ऑफ दिस वन रखता है और रैपिड सैंड फिल्टर लगाया, रैपिड फिल्टर एस दिस वन, एरिया ऑफ रैपिड सेंटर फैंड सिल्टर रैपिड फिल्टर का एरिया दिया गया है एंड एवरेज फिल्ट्रेशन रेट दे दिया, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिमांड, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या बताओगे, कोई बताएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहां पर, देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, रेट ऑफ डिमांड, तो रेट ऑफ डिमांड निकालना है, तो रेट ऑफ डिमांड कितना निकल कर आएगा, रेट ऑफ डिमांड जो होता है वो हमारा क्या होता है, एवरेज, एवरेज हम बात करते हैं क्या होता है, एवरेज हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन रेट, एवरेज फिल्ट्रेशन रेट अपॉन इनटू मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन कितना निकल करके आता है, अपॉन पॉपुलेशन निकल करके आएगा, पॉपुलेशन। तो हम एवरेज फिल्ट्रेशन रेट निकालेंगे, तो कितना दिया है 4000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, तो हम बात करते हैं कितना एरिया है हमारा, एरिया है 20 मीटर स्क्वायर का, तो टोटल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो टोटल कितना आएगा, तो हम बताते हैं एरिया यहाँ पर टोटल दिया गया है ये तो 20 मीटर स्क्वायर, लेकिन फिल्ट्रेशन रेट निकालना है तो हम बताते हैं लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर निकालते हैं ना, लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर, तो लीटर पर डे निकालने के लिए कितना 4000
इंटू कितना हम बात करें 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4000 इंटू 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर 24 से मल्टीप्लाई किया तो 20 एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन कितना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितना 10,000 निकल करके आ जाएगा। तो एक लाइन में आंसर होगा 3 और 3 ये 4 से 4 ये, तो हमारे 24 दूनी 48, 48 इंटू 4 निकल करके आएगा, तो 48 इंटू 4 कितना आता है 192 लीटर पर डे पर हेक्टेयर निकल करके आएगा, पर डे पर हेड निकल करके आएगा, सॉरी पर हेड पर डे, पर हेड पर डे निकल करके आ जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कितना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो, अभी भी वक्त है भाई, बता दो। 13 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 14 की बात करते हैं यहाँ पर, द कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट एब्रीविएटेड बाय C3A रिप्रेजेंट। अगर C3A की बात करते हो, C3A किसको, तो हम कहें C3A, द कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट सीमेंट एब्रीविएटेड विद C3A कितना होता है। अगर C3A की बात करें, C3A को क्या बोलते हैं, C3A को बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड किसको बोलते हैं, C4AF को बोलते हैं, सॉरी C3 तो हम कहें C3AF की हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है ट्राई कैल्शियम लिखा गया है, तो ट्राई कैल्शियम की बात करेंगे कितना हो जाएगा C3AF निकल करके आ जाएगा, C3AF निकल के आए। बट C3AF होता है क्या, नहीं होता है, हमारा क्या होता है C4AF होता है। क्या होता है, C3 ट्राई है तो हमारा 3 निकल के आएगा, लेकिन ये होता नहीं है, क्या होता है टेट्रा कैल्शियम। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की बात करें तो C3S निकल के आता है, कितना होता है C3S निकल करके आता है। और C2S की बात करते हैं तो कितना C2S निकल के आता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट निकल के आता है, तो C2S की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हम बात करें C3S, तो C3S को क्या बोलते हैं, सेलाइट एलाइट बोलते हैं, हम बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं बेलाइट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हम बात करें सेलाइट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम C4AF, C4AF को क्या बोलते हैं, हम बात करते हैं फेलाइट बोलते हैं। अगर हम बात करें इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी होती है, इसकी 500 होती है। अगर हम बात करें एल्यूमिनेट की कितनी होती है, 865 जूल पर कैलोरी होती है। इसकी कितनी होती है C2S की, हम बात कर रहे हैं कितना 260 निकल के आती है। और हम बात करें फेलाइट की कितनी, 420 निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये सारी कंडीशन निकल के आ रही है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका, रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका सबसे ज्यादा है, हम बात करते हैं C3A का, हमारा सबसे ज्यादा निकल करके आ रहा होता है, ठीक है। तो वो कंडीशन यहाँ पर निकल करके आ रही थी, तो ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी चीजों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 की बात, 15 की बात करते हैं। अ सर्वे डन टू अंडरस्टैंड द हेवनली बॉडीज इज नोन एज, हेवनली बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो सर्वे किया था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। यहाँ हम बात करते हैं फोटोग्राफिक सर्वे कब होता है, फोटोग्राफिक सर्वे वो होता है जिसमें हम फोटोग्राफ की मदद से अपने डाटा को निकाल रहे होते हैं। एरियल सर्वे क्या होता है, एयर पे कैमरा माउंट करने के बाद हम अपने डाटा को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या डाटा को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो हमारा एयर सर्वे कहा जाता है। सेलेस्टियल सर्वे क्या होता है, स्पेस में जाने के बाद सेलेस्टियल बॉडी के लिए जो सर्वे परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल सर्वे उसको बोला था। 15 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। 16, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ग्राउंड लेवल इज अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं ग्राउंड लेवल पर कितना निकल करके आ रहा होता है, ग्राउंड लेवल पर तो अगर हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल पर जो निकल कर जाता है वो कितना होता है, वो लगभग होता है हमारा 1 kg force per cm² के बराबर होता है, 1 kg force per cm² के बराबर होता है, ठीक है। अगर 1 newton पर हम आते हैं कितना है, और ये कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है लगभग 9.81 newton per cm² निकल के आता है। या फिर हम बात करते हैं इसको कितना लिखा जाएगा, 9.81 × 10⁴ हमारे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। और ये यूनिट किसमें दी गई है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकेगा क्या, 1 newton per m² हो सकेगा, 1 newton per m² पॉसिबल है, वन मीटर स्क्वायर यूनिट पॉसिबल है बेटा। डी में क्या होता है, हम बात कर रहे हैं डी को ही हम 9.81 newton भी बोलते हैं, 1 kg force जो निकल करके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं 9.81 newton। और हम क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा तभी तो 10⁴ लिखा जाएगा यहां पर, तभी तो वो मीटर स्क्वायर बनेगा। अरे 1 kg force = 9.81 newton होता है, केवल और केवल न्यूटन होता है,
केवल और केवल क्या होता है, न्यूटन होता है, ये न्यूटन होता है भैया। किलोग्राम फोर्स क्या है, एक फोर्स है, किलोग्राम फोर्स क्या है, फोर्स है, ना कि ये प्रेशर है। और किलोग्राम फोर्स को जब एरिया से डिवाइड करोगे तब तो वो प्रेशर बनेगा, किलोग्राम फोर्स को जब एरिया से डिवाइड करोगे तो हम बात करें क्या हो, क्लियर है बात। चलो क्लियर है बात, हाँ है ना, अभी ये बताओ बाकी सब भूल जाओ, अभी क्लियर है, क्या गड़बड़ की हो क्या नहीं। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, 16 की बात करते हैं, 17 की बात करते हैं। यहां पर नो श्रिंकेज अकर इफ द कॉन्क्रीट इज प्लेस्ड इन अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ, अगर हम बात करते हैं कंक्रीट किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी में रखेगी जिसके कारण श्रिंकेज अकर नहीं होगा। तो देखो जब भी हम आते हैं एवापोरेशन नहीं होगा, एवापोरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 1 होकर के आती है तभी हम बात करते हैं कि श्रिंकेज अकर नहीं हो रहा होता है। तो श्रिंकेज कब अकर नहीं होगा, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो 1 हो जाती है। तो 17 की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 18 की बात करें, द पैटर्न विच इन्वॉल्व इरेगुलर ब्रांचिंग ऑफ ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम इन मैनी डायरेक्शन एंड एट ऑलमोस्ट एनी एंगल इन द ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड, हम बात करते हैं द पैटर्न विच इन्वॉल्व द इरेगुलर ब्रांचिंग ऑफ ट्रिब्यूटरी। इरेगुलर ब्रांचेज ऑफ ट्रिब्यूटरी हो रही है इस तरीके से, इरेगुलर ब्रांचेज ऑफ ट्री इन मैनी डायरेक्शन एंड ऑलमोस्ट एनी एंगल इज द ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड। उस ड्रेनेज बेसिन को क्या कहा जाता है, उस ड्रेनेज बेसिन को कहा जाता है डेंट्रिक रिवर, कहा जाता है क्या बोला जाता है डेंट्रिक रिवर, उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है डेंट्रिक रिवर, हम उसको बोल रहे होते हैं। तो इस कंडीशन को हम बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, डेंट्रिक रिवर हम यहाँ पर बोल रहे होते हैं, तो हम बात करते हैं इसको डेंट्रिक रिवर बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं एक होता है एग्रेडिंग और एक होता है डिग्रेडिंग, डिग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, वो रिवर जहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो रहा है वो डिग्रेडिंग, और एग्रेडिंग जो होता है वो क्या होता है छोटे छोटे डिपॉजिट जमा देता है उसको हम डिग्रेडिंग एग्रेडिंग बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन निकल के अभी आ रही होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर 19 की बात करते हैं। अ बीम इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू, एक बीम की बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चरल मेंबर बोला जाता है जो कि किस लोड पर रखा हुआ है। तो हम कहते हैं बीम जो होता है हमेशा किस पर, ट्रांसवर्स लोडिंग रखी होती है, यानी बीम पर जो लोडिंग होती है हमेशा इसके परपेंडिकुलर निकल करके आती है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ट्रांसवर्स लोडिंग। तो एक्चुअल लोडिंग की बात करें, एक्चुअल लोडिंग की कंडीशन में नहीं हम बात करते हैं, एक्चुअल एंड ट्रांसवर्स लोडिंग हम बात करते हैं, हाँ एक्चुअल में तो नहीं होगा लेकिन ट्रांसवर्स लोडिंग हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल का मतलब क्या है, जो ये इसकी एक्सिस है इस एक्सिस के अलॉन्ग इसको हमने प्लेस किया हुआ, इस एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या किया हुआ प्लेस, तो ये एक्सिस एक्चुअल हो गई, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसवर्स लोडिंग की कंडीशन में हम इसको पिटअप कर रहे होते। तो 19 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 20 की बात करते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट विच मे बी परमिटेड इन एग्रीगेट इज, एग्रीगेट में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट है, हाँ ट्रस के लिए ए हो जाएगा पिछले ऑप्शन में, तो हम बात का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट विच मे बी परमिटेड इन एग्रीगेट इज, तो 5% ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर लो वर्केबिलिटी विद अ कोर्स एग्रीगेट, तो हम बात करते हैं बिल्कुल सही बात है। तो हम बात करते हैं क्या होगा, 10% ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर लो वर्केबिलिटी विद फाइन ग्रेड, तो भी ये हमारा सही निकल के आएगा, और 20% ऑफ द टोटल एग्रीगेट फॉर अ मिक्स हैविंग हाई वर्केबिलिटी विद फाइन एग्रीगेट, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट निकल के आएंगे, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट निकल गए। तो हम बात करें 20 का, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। 21 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर द एडिटिव कॉन्स्टेंट वेयर एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई इज द स्टेडिया इंटरवल। सबसे पहले आप मुझे बताइए स्टेडिया इंटरवल का मतलब क्या है, स्टेडिया इंटरवल का मतलब होता है जो हमारे डायाफ्राम है, डायाफ्राम पे जो हेयर्स की डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, स्टेडिया इंटरवल कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि हम बात करें d इज इक्वल टू कितना होता है, के एस प्लस सी होता है, और k की वैल्यू कितना होता है, एफ अपॉन आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी निकल करके आता है, कितना f प्लस डी, और f प्लस डी को क्या बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट, और f अपॉन आई को क्या बोलते हैं, तो f अपॉन आई को बोला जाता है हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया, एडिटिव कांस्टेंट के बारे में, तो हम बात करते हैं यहाँ पर f प्लस डी निकल करके आएगा, तो ये बात समझ में आई। अब इस स्टेडिया के बेसिस पे दो तरीके के मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड हेयर मेथड और एक होता है मूवेबल हेयर मेथड, ठीक है। तो फिक्स्ड हेयर मेथड को स्टेडिया मेथड ऑफ
टेक्यूमेट्री बोलते हैं, जबकि हम बात करें मूवेबल हेयर को सब्सटेंस बार मेथड बोलते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल मेथड, टेंजेंशियल स्क्रू मेथड। हम बात करते हैं उसमें एंगल मेजरमेंट नहीं किए जाते हैं, बस हम बात करें डिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर किया जाता है। तो 21 की बात करें ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 22 की बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ आ रिवेटेड जॉइंट एज डिफाइंड एज द रेशियो, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अगर हम बात करते क्या है इज डिफाइंड एज द रेशियो, तो हम मतलब लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट के रिस्पेक्ट में हम कहते हैं रिवेटेड जॉइंट और उसके हम बात करते हैं वो उसका कंडीशन निकल के आती, तो हम कहते हैं ये सही हो सकता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड, तो हम कहते हैं ये तो हमारा गलत हो जाएगा। एट लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ आ रिवेटेड प्लेट टू द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। गलत होगा या सही होगा जल्दी बताओ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम कहते हैं ये भी हमारा क्या गलत हो जाएगा, केवल हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर। जल्दी से सेशन को शेयर कीजिएगा और सेशन को जल्दी से लाइक भी कीजिएगा यार गाइस, क्योंकि जितने लोग हैं उतने तो लाइक यहां पर बनते हैं। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं यहां पर एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, हमने बात की। 23 नंबर की बात करते हैं यहाँ पे, विच टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इज एथिलीन, एथिलीन जो होता है वो किस टाइप का एयर पॉल्यूटेंट निकल के आता है। एथिलीन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है, क्या है हाइड्रोकार्बन, तो एथिलीन की बात करते हैं कितना होता है C2H6 निकल करके आता है, कितना C2H6 की बात करते हैं, तो हम अगर C2H4 या C2H2 हम बात करते हैं तो C2H4 यहाँ पर निकल करके आता है, तो हम बात करते हैं कितना होता है, हम बात करते हैं कार्बन का अमाउंट 2 times हम बात करते हैं यहाँ पर ये यह होता है, और हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल करके आ रही है, तो हम बात करते हैं उसको क्या होता है हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन हो रहे होते हैं और उनको हम बात यहाँ पर कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, बिल्कुल बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 23 के बाद 24 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सिल्ट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सिल्ट के लिए निकालना है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सिल्ट के लिए निकालना है, तो सिल्ट के लिए कैसे निकालते हैं, तो हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट जो निकल के आता है वो हमारा क्या होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकल करके आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट या प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकल के आता है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर सैंड के लिए देखें, तो सैंड और ग्रेवल की बात करते हैं, सैंड और ग्रेवल को इनको क्या बोला गया नॉन प्लास्टिक बोला गया, तो इसको आईपी की वैल्यू कितना बोली गई है जीरो वैल्यू गई है, आईपी की वैल्यू कितना बोली गई जीरो वैल्यू गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिल्टी सैंड की बात करें, सिल्टी सैंड के लिए हम बात करते हैं जनरली कितना निकल करके आता है, तो आईपी की वैल्यू लेस देन 7 आता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिल्ट की बात करें, सिल्ट के लिए, तो सिल्ट के लिए कितना 7 से नीचे, तो 7 से लेकर के 17 निकल करके आ रहा होता है। ठीक है, 7 से लेकर के 17, तो यहाँ पर जो हमें बात कर रहे हैं यहाँ पर जो आंसर निकल करके आएगा वो कितना होगा, वो 10 से 15 के बीच में निकल के आएगा, कितना 10 से 15, और हम बात करते हैं यहाँ पर किले के लिए जो निकल करके आएगा वो ग्रेटर देन 17 आ पाएगा, ग्रेटर देन 70 निकल के आएगा, तो हम बात करते हैं 10 से 15 ही सही है, तो हम बात करते हैं ये भी सही है और अलग अलग रेंज दी गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मली जो हम रेंज लिखते हैं वो हम कितने लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम बात करते हैं प्लास्टिक लिखते हैं, नॉन प्लास्टिक इसको क्या बोलते हैं नॉन प्लास्टिक, जीरो से कम होता है वो क्या होता है नॉन प्लास्टिक, जबकि 10 वैल्यू तक नॉन प्लास्टिक चल जाता है, 10 वैल्यू तक जनरली, सॉरी 10 वैल्यू कह रहा हूँ, 1 वैल्यू तक जनरली नॉन प्लास्टिक यहाँ पर चल जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1 से 5 होती है स्लाइटली, अगर हम स्लाइटली होती है जिसको सिल्ट की बात करते हैं, और हम बात करते हैं 5 से 15 के बीच में हम बात करें क्ले, तो कई बुक्स में इस तरीके से भी वैल्यू निकाल करके दी गई है, तो वो भी हम यहां पर लिख सकते हैं, तो वो भी हम उस हिसाब से आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वाइजली यहां पर आंसर करना है, तो ये टेबल मैंने यहां पर आपको बता दिया, तो फर्स्ट का हम बात करें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर निकल गया। ठीक है, चलो 25 की बात करते हैं, गली ट्रैप्स आर यूज्ड फॉर, अगर हम बात करते हैं गली ट्रैप्स की बात करते हैं, तो गली ट्रैप्स जो जनरली यूज किए जाते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, तो हम बात करें गली ट्रैप्स की बात करते हैं, जो रिसीविंग द वाटर रिसीविंग द वाटर वेस्ट वाटर जो है वो किचन से निकलने वाले जो वेस्ट वाटर है उसको रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं गली ट्रैप्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंटिंग द फॉल गैसेस टू एस्केप करने से, हम मतलब फॉल गैसेस को एस्केप करने से रोकता है बहुत कम हद तक रोकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार रोकता है। ठीक है, तो बहुत कम हद तक रोकता है, हम बात करते हैं क्या है, तो रिसीविंग द वेस्ट
वाटर फ्रॉम द किचन सिंक, किचन सिंक से रिसीव करना, हम कहते हैं ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। डिस्कनेक्ट द हाउस ड्रेन्स फ्रॉम द पब्लिक सीवर्स, तो हम बात करते हैं इसको भी हमारा नहीं होगा, हम फ्लशिंग आउट द वॉटर क्लोजेट एंड यूरिनल्स, ठीक है, तो ये कंडीशन भी निकलेगा। तो 25 की हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। 26 की बात करते हैं, द थिकनेस ऑफ पेमेंट मे बी रिड्यूस्ड कंसिडरेबली बाय, अगर हम थिकनेस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं वो कितने से रिड्यूस की जाती है, तो हम बात करते हैं कितने से, थिकनेस ऑफ पेमेंट बाय कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के द्वारा क्या थिकनेस को हम ले सकते हैं या नहीं, ये तो सॉइल पाइप होता है। अच्छा चलो, तो हम बात करते हैं यहां पर क्या है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, अगर हम कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल करते हैं तो नीचे का सबग्रेड काफी हार्ड हो जाता है, और काफी हार्ड सबग्रेड के कारण क्या होती है, वहां पर हम बात करते हैं कंडीशन निकल करके नहीं भूलता है, तो अब बात करते हैं वो कंडीशन है स्टेबलाइजिंग द सॉइल, अगर हम सॉइल को स्टेबलाइज कर देते हैं तो उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो हमारी हो जाती है, ठीक है, अच्छी हो जाती है, और हम बात करते हैं वो, और ड्रेनेज ऑफ सॉइल, अगर सॉइल का ड्रेनेज बढ़ा दिया तो पोर वाटर प्रेशर नहीं रहेगा, पार्टिकल पास पास आएंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे तो क्या है थिकनेस कम हो जाएगी क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो हम बात करते हैं ये कंडीशन भी होगी, तो हम बात करते हैं हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज अबव, तो हम जितने भी दिए गए हैं उन सभी का हम बात करते हैं यहां पर, वो हम बात करते हैं वो कंडीशन निकल गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 26 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 26 के बाद 27 की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड पिक द करेक्ट सीरीज, इन निम्नलिखित को मिलाइएगा और हम बात करते हैं इनमें से करेक्ट सीरीज की बात कीजिएगा, इनमें से करेक्ट सीरीज की बात कीजिए, करेक्ट सीरीज कौन से निकल कर आया, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर कि एंड ब्लॉक की बात करते हैं तो वर्स्टिंग टेंशन, जो एंड ब्लॉक लगाए जाते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, एंड ब्लॉक लगाए तो वो क्या है टेंशन को वर्स्ट करने के लिए जनरली हम यूज कर सकते हैं या नहीं, तो टेंशन को वर्स्ट करने के लिए हम जनरली यूज कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 होगा, पहले का 4 होगा, तो पहले का 4 अगर हम बात करें तो पहले का 4 कहां निकल के आ रहा है, यहां 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 खत्म खेल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। टाइप 1 की बात करते हैं, टाइप 1 की बात करते हैं सेकंड का हम बात करें नो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप, तो टाइप 1 में क्या होता है किसी भी तरीके का टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो पाता, तो हमारे 1 हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिशन लेंथ, जो ट्रांसमिशन लेंथ होती है वो क्या होता है प्री टेंशन बीम में हम बात करें ट्रांसमिशन लेंथ की जरूरत पड़ती है, तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस जो निकल के आता है वो किसके इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण निकल के आएगी, तो इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण, तो देखो यहां पर तीसरा नंबर ऑप्शन से भी यहां पर डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता, दो दो ऑप्शन ऐसे थे, देखो फर्स्ट वाले से भी आंसर आया था केवल, और केवल थर्ड वाले से भी आंसर आया था, थर्ड वाले से नहीं आता वैसे, थर्ड वाले में देखो ऑप्शन जो है वो दो तरफ दिए गए हैं, ठीक है, थीके? और यहां पर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, तो फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते तो हम उससे भी बात करें, ठीक है। सर SSC ने JEE ने सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी कभी भी कुछ बता दिए दिएगा, ठीक है बता देंगे, JSSC के बारे में बात कर लेंगे हम, एक बार बात कर लेंगे JSSC के बारे में भी, ठीक है, अभी SSC के सेशन कंटिन्यू कर लीजिएगा तो JSSC का भी बहुत कुछ कवर अप हो जाएगा। चलो ट्वेंटी एट की बात करते हैं, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर अ स्टील एज कंपेयर टू द कंक्रीट इज, कंक्रीट के कंपैरिजन में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील की ली जाती है वो ज़्यादा ली जाती है कम ली जाती है, तो हम जनरली बात करते हैं क्या लिया जाता है, हम बात करते हैं क्या लिया जाता है, जल्दी बता दो मुझे, लोअर ले ली जाती है, स्टील के कितना लिया जाता है 1.15 ले लेते हैं, जबकि कंक्रीट का कितना लेते हैं 1.5 लेकर के चल रहे होते हैं, 1.5, ठीक है। चलो क्लियर है बात, तो हम 28 का हम ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 29 की बात करते हैं, फॉर डैम प्रूफिंग सीमेंट मोर्टार वुड बी जनरली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो, तो हम कह रहे हैं यहां पर कौन से रेशियो में निकल करके आता है, ठीक है, क्या हुआ शुभम जी उठ गए क्या, चलो तो हम बात करते हैं कितना निकल कर के आएगा, तो हम बात करते हैं यहां पर कितना निकल के आया विच रेशियो, तो सीमेंट अगर हम डैम प्रूफिंग के लिए सीमेंट रेशियो निकल के आता है वो कितना होता है 1:2 निकल के आता है, कितना 1:2, और इसकी थिकनेस कितनी स्पेसिफाइड रखते हैं, थिकनेस कितनी जो हम बात करें सीमेंट कंक्रीट की थिकनेस कितनी रखते हैं 2.5 सेंटीमीटर हम जनरली थिकनेस यहाँ पर स्पेसिफाइड करके रखे हुए हैं, तो हम बात करें 2.5 सेंटीमीटर की बात करते हैं, यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस हम DPC में कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो तो हम 29
30 की बात करते हैं यहाँ पर, 30 की बात करते हैं यहाँ पर, जल्दी बताओ। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से जो सत्य कथन है उनकी पहचान कीजिएगा। अगर सत्य कथन की पहचान करते हैं तो द बेंडिंग मूवमेंट विच वेन एक्टिंग अलॉन वुड प्रोड्यूस द मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल टू द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कॉज बाय द कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट इसको बोल रहे हो, ठीक है। हाँ, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जूम करें इसको, लो लो जूम कर दिया है। तो हम बात करते हैं यहां पर क्या है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से क्या है करेक्ट स्टेटमेंट को हमें यहां पर निकालना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं यहां पर क्या है, तो हम बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट विच वेन एक्ट हम बात करते हैं एक्टिंग अलॉन वुड प्रोड्यूस द मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल टू द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कॉज बाय द दिस वन। तो हम बात करते हैं ये क्या हो गया, ये हमारा सही हो गया, ठीक है। द टॉर्क विच वेन एक्टिंग अलॉन वुड प्रोड्यूस द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इक्वल टू द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कॉज्ड बाय द कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन इज कॉल्ड एज ट्विस्टिंग मूवमेंट और इक्विवेलेंट मूवमेंट। तो हमारा बात करें ये भी सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर निकल गया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर, ठीक है। बेटा एक दो क्वेश्चन अगर लेंदी होता है तो हिंदी में नहीं आता है, बाकी हिंदी में तो आते हैं ना, बाकी तो आ रहे हैं ना, थोड़ा सा तो पेशेंस लगा करो। 31 लो आ गया, हिंदी में आ गया, क्लियर हुआ बाशु जी, हिंदी दिखाई दे रही है, ये येलो लेटर्स जो लिखा है वो हिंदी ही है ना। द यूनिट ऑफ यंग मॉडल्स इज, अगर यंग मॉडल्स की यूनिट, तो ये बच्चा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो बच्चे क्वेश्चन का आंसर क्या है, बच्चों की तरह दे दे रहा है, क्या है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है। तो हम बात करें स्ट्रेस, स्ट्रेस की बात करें तो क्या होता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा हो गया, और अगर ई इज इक्वल टू सिग्मा हो गया तो हम बात करते हैं ये किसका है, ये किसका शेयर स्ट्रेस, तो कितना है मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकाला जाएगा, ठीक है। और वही यूनिट किसका होगा, यंग मॉडल्स का। तो हम कहते हैं कहते हैं किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो चलो हम बात करते हैं यहां पर 32 की बात करते हैं यहां पर। इन कॉन्ट्रास्ट एंड इन कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर विच अथॉरिटाइज्ड बिल इज द ओनली फॉर्म ऑफ रनिंग अकाउंट बिल्स That are suited for transaction with supplies. कौन से वो बिल होते हैं रनिंग अकाउंट के साथ सूटेड फॉर ट्रांजेक्शन विद सप्लाई, ट्रांजेक्शन और सप्लाई के साथ सूटेड निकल गया, तो हम उनको क्या बोलते हैं, रनिंग बिल हैं। तो कैसे हैं रनिंग बिल हैं, तो हम बात करें क्लियर है बात, तो क्या निकल कर क्या आता है, तो हम बात करते हैं रनिंग अकाउंट बिल सी DFRPW 25 की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 32 की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा, हैंड रिसिप्ट नहीं होगा, क्योंकि हम बात करें हैंड रिसिप्ट वहाँ पर हमने लिखा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल बिल ऐसा भी कुछ नहीं होगा, नहीं नंबर ऑफ बिल बनते जाएंगे, तो हम बात करें रनिंग अकाउंट बिल ए, हम बात करते हैं ये भी नहीं निकल के आएगा, कौन सा बिल सी निकल करके आएगा, तो वो कंडीशन यहाँ पर बात कर रहे होते, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 33 की बात करते हैं यहाँ पर, 33 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एरिएशन ऑफ वाटर, वाटर के एरिएशन का जो ऑब्जेक्टिव निकल करके आ रहा है वो क्या निकल के आता है, तो वाटर के एरिएशन का जो ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है वो क्या होता है, तो रिमूव द टेस्ट एंड ऑड्योर फ्रॉम द गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। जो भी वेस्ट वगैरह वहां पर रह गया है उसके कारण जो ऑर्डर वगैरह है उनको निकल जाना, तो हम बात करते हैं वो हमारा एरिएशन का ऑब्जेक्टिव निकल करके आ रहा होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो सही होगा, तो इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ वाटर, तो हम मतलब ये तो हमारा गलत होगा, हम कभी भी नहीं चाहेंगे वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़े, क्योंकि वहां पर एक्वाटिक लाइफ भी है तो वो अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अरे एरिएशन ऑफ वाटर की बात करते, तो एरिएशन वाटर क्या है, टेस्ट एंड ऑडियोर फ्रॉम द गैसेस प्रोड्यूस ड्यू टू द ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, जो भी गैसेस उसमें प्रोड्यूस हुई हैं ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन कारण उनको क्या करना, रिमूव करना, ठीक है।
हाँ जी शुभम जी बिल्कुल। हाँ तो भैया वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में भी वेस्ट वाटर, जब तक वेस्ट वाटर नहीं होगा जब तक ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन कैसे होगा, वो कैसे होगा? तो हमारे प्रिजर्व द हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होता है, टू डिक्रीज और डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर, तो ये भी हमारा नहीं निकल के गया, तो पहला वाला होगा ही नहीं। तो हम बात करते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ अमित जी? थर्टी फोर नंबर, कॉफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल, कॉफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल, चलो कॉफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल की बात करते हैं। देखो अगर हम परमिबिलिटी ऑफ सॉइल करते हैं तो हमारे परमिबिलिटी ऑफ सॉइल कितना होता है, वन अपॉन के गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू ई क्यू अपॉन वन प्लस ई इन टू डी टेन का होल स्क्वायर। तो ये सारे फैक्टर है जिसपे हमारी परमिबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर परमिबिलिटी की बात करें तो के डायरेक्टली डिपेंड अपॉन फ्लूड की डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आती है, विस्कोसिटी आती है, और विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। विस्कोसिटी किस पर, टेम्परेचर पर, तो विस्कोसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो हम बताए के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर निकल करके आता है। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर हम बात करें के की वैल्यू तो हम बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यू अपॉन वन प्लस ई निकल कर आता है, वन प्लस ई निकल कर आता है। तो हम बात करते हैं इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेशन के साथ ई स्क्वायर निकल करके आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं के की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टेन स्क्वायर होती है, तो डी टेन की बात करें तो डी टेन क्या होता है, इफेक्टिव साइज, इफेक्टिव ग्रेन साइज निकल के आता है। और इफेक्टिव ग्रेन साइज की बात करते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल करके आती है। तो हम बात करते हैं, क्या है, के की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर निकल करके आ रही है, तो हम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो हमारा ऑप्शन नंबर वन जो है वो हमारा सही आंसर निकल गया है। इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होता है, डू डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर नहीं होता है, तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर यहाँ पर नहीं निकल करके आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन निकल के आती है। तो 34 की बात करें तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर, ठीक है। 35 की बात करते हैं यहाँ पर, थैंक यू थैंक यू। तो हम अगर 35 की बात करते हैं, 35 को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इन आ अब पढ़ो जल्दी से, जल्दी से पढ़ो। अरे भैया करने तो जूम, मजा आ गया। अच्छा क्या बात कर रहे हो, मजा आ गया सही में, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। अभी देखो तुम्हें मजा खराब भी करेंगे, अभी देखो। इसलिए तो मैं बोलता हूं थोड़ी देर शांत रहोगे ना तो मजा आएगा ही आएगा, थोड़ी देर शांत रह लो ना तो मजा आ जाएगा। देखो अभी शांति बनी हुई है इसलिए मजा आ रहा है ना। चलो तो इन अ डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम, डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम की बात कर रहे हैं हम, बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड इन कंप्रेशन, किसमें, कंप्रेशन में। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बता रहा हूँ, ऑप्शन विजुअल करवा रहा हूँ, रुको। तो हम मतलब डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस इंक्लूडेड इंड्यूस्ड इन द कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस होगी जहाँ कंक्रीट में, और टेंशन कहाँ है, स्टील। तो सिग्मा सिग्मा सी एच जो है वो सिग्मा एस टी जो है, सिग्मा सी एच सिग्मा एस टी क्या है रेस्पेक्टिवली है। तो हम बात करते हैं डेप्थ इन द न्यूट्रल एक्सिस इज के डी, के डी क्या है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, डी इज द डिफेक्टिव डेप्थ है, और फ्रॉम द टॉप कंप्रेशन फेज टू द मॉड्यूलर रेशियो एम। Which of the one following is the regarding the correct combination in under the reinforced beam? Reinforced beam के लिए हमारे कौन सा correct combination निकल करके आता है? तो reinforced beam के लिए correct combination, अब मुझे बता दीजिए, option ऊपर कर दिए हैं मैंने, option ऊपर कर दिए हैं। तो हम बात करते कौन सा correct combination निकल करके आ रहा है, चलो। तो हम बात करते हैं यहां पर क्या ऑप्शन नंबर टू आंसर डायरेक्टली निकल के आता है। तो हम बात करते हैं पूरी की पूरी एनालिसिस करते हैं, हम बात करें यहां से पूरी एनालिसिस करते हैं यहां पर कि कंप्रेशन मेंबर है, तो हम बात करते हैं वहां से क्या है, कंप्रेशन फोर्स को बराबर करते हैं टेंशन फोर्स को, और टेंशन फोर्स को बराबर करने के बाद हम यहां पर एनालिसिस निकाल करके ये वैल्यू निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। बेटा पढ़ाई बनाई थी एक ऐसे इंसान है जिसका नाम हम तुम्हें नहीं बता सकते हैं, अगर वो नाम बाहर आ गया ना तो वो इंसान बचेगा नहीं। अब
इसलिए हम उसका नाम यहाँ पर बता नहीं सकते हैं पढ़ाई वाले का, ठीक है। तो सब लोग उसको फिर ढूंढेंगे, फिर मारेंगे, तो ऐसे पता ही नहीं जा सकता है, लेकिन पढ़ाई उस इंसान ने थी, ठीक है। अब थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि किसने पढ़ाई बनाई, ये आपको जानना पड़ेगा। मुझे तो पता है किसने बनाई है, आपको जानने के लिए थोड़ी सी मेहनत करें, ऐसे में नाम नहीं बता सकता हूं, प्रॉमिस किया है मैंने। चलो 36 की बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, ठीक है। हम क्या फॉर अ लेमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप, ठीक है। तो 1 मिनट का ब्रेक लेना, थोड़ा सा 1 मिनट यार, गला गीला कर ले, अब तुम भी कर लो। मीना कह रहा मेरा नाम, मैं तुम्हारा नाम क्यों लूंगा, मैं भगवान का नाम ना लूं इतनी देर में, हैं तुम्हारा नाम लूंगा यार, मेरा नाम मत लेना। कौन सा भवसागर पार करेगा है यार, मतलब बेटा सारे हिंदी में नहीं होते, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस सेट होते हैं, ठीक है। हिंदी बाइलिंगुअल होते हैं बेटा, अपना ऐसे ये टाइम के बड़े पंक्चुअल है अपन, 2 आवर्स से 2 आवर्स की मैराथन चलती है, 2 आवर्स की मैराथन चलती है, टाइम के पंक्चुअल है थोड़े से। इससे तो हमारे हमसे बहुत लोग परेशान रहे भैया, तलवारें खिंच जाती हैं इसमें तो। चलो फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप, अगर हम बात करते हैं, बनाते हैं बुलेट ट्रेन अभी बाद में बनाएंगे, कल के तुमने कमेंट नहीं पड़े कुछ, भैया लोगों को परेशानी हो जाती है जो रिकॉर्डिंग देखते हैं, वो बोलते हैं सर हम 1.5 पे देख रहे थे, अचानक से पता ही नहीं चलता है कब 2.5 हो गया वो। चलो अरे भैया इंसान रहने तो भगवान भगवान ना करो यार। चलो हम बात करते हैं फॉर अ लेमिनार फ्लो थ्रू द थ्रू द सर्कुलर पाइप, अगर हम बात करते हैं लेमिनार फ्लो के लिए, हम बात करते हैं यहाँ पर, तो लेमिनार फ्लो के लिए, अरे यार एक उपमा दी थी कि 2.5 यार, हाँ 2 टाइम्स हो गया, ठीक है 1 टाइम्स था वो, 2 टाइम्स हो गया, 2.5 हो गया, ठीक है। चलो चलो हम बात करें फॉर अ लेमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप, अब फिर से वापस आ जाए अपने सेशन में, अपने टॉपिक पे, ठीक है। बातें कम काम ज्यादा, हमारे यूपी में एक कहावत थी कि बातें कम काम ज्यादा, नहीं तर मारें कम घसीटें ज्यादा, ठीक है। ऐसी कहावत थी, ऐसे ही कहावत थी। चलो हाँ बोल लो बोल लो, हाँ बोल लो, चुप हो जाना 1 घंटे के लिए, सुनिए मेरा नाम क्या है, मेरा नाम यार जो घर वालों ने रखा था वो वाला बताना है कि बाहर जो रखा गया वो बताना है। घर वालों ने तो यार वैभव श्रीवास्तव रखा था यार, वही है मेरा नाम। तो भैया हम भी तो बुंदेलखंड वाले हैं, इलाहाबाद टू लखनऊ साइड, बुंदेलखंड साइड, यूपी, इसलिए मैंने बोला। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, फॉर अ लैमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप, ओके मधुकर जी, बहुत अच्छी बात है कि अब आप पढ़ाई में हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गोवा से आता हूं, ठीक है। चलो चलो हम बात करें लेमिनार, इन लेमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप, अगर हम सर्कुलर पाइप से लेमिनार फ्लो की कंडीशन की बात करें, और सुनो आज 11:30 बजे मास्टर क्लास के अंदर एक रैपिड फायर राउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं, रैपिड फायर राउंड, ठीक है। एसएससी का रैपिड फायर, एसएससी जेई का रैपिड फायर राउंड 11:30 बजे मास्टर क्लास के अंदर निकल करके आएगा, ठीक है।
वैभव सर डाल देना आ जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, 11:30 बजे मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास हम बात करते हैं यहाँ पर, आज मास्टर क्लास कहाँ होती है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मास्टर क्लास, जिसमें हम बात करें रैपिड फायर राउंड करेंगे हम। 15 से 20 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, और हम बात करते हैं वहां से हम स्टार्ट करेंगे। और मास्टर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है सभी के लिए, तो सभी लोग मास्टर क्लास ज्वाइन करिएगा। और हम बात करते हैं, ये कंडीशन निकल करके आएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन निकल करके आ रही है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कंडीशन होती है, ठीक है। चलो, द लेमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप, अगर सर्कुलर पाइप के हम बात करते हैं, लेमिनार फ्लो की बात करते हैं, तो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ बस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो चलो वापस आ जाओ। फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप, अगर सर्कुलर पाइप के थ्रू हम लेमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन निकल कर क्या आती है, तो हम बात करते हैं जो मैक्सिमम वेलोसिटी है और एवरेज वेलोसिटी है, उनका रिलेशनशिप कितना होता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो निकल कर आती है, वो 2 times ऑफ द एवरेज वेलोसिटी निकल गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बात करते हैं द मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है, वो 2 times ऑफ द एवरेज वेलोसिटी निकल कर आता है। तो 2 times ऑफ द एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर निकल कर आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बात करें 1.5 किस टाइम में होता है, जल्दी बताओ 1.5 किस टाइम में होता है, 1.5 किस टाइम में होता है, जल्दी से आंसर दो, 1.5 किस में होता है। हम पैरेलल प्लेट्स के बीच में बात करेंगे, तो पैरेलल प्लेट्स के बीच में कितना निकल के आता है हमारा, हमारा 1.5 निकल करके आता है। पैरेलल प्लेट्स के लिए हमारा कितना निकल के आता है, 1.5। तो ये किस केस में होता है, पैरेलल प्लेट्स के फॉर्म में निकल करके आता है। पैरेलल प्लेट्स के केस में हमारा 1.5 निकल गया। तो 36 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। 36 के बाद 37 की बात करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर हम बात करते हैं, हाँ, अगर हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए, जो मिनिमम हमारा सैंपलिंग रिक्वायर्ड होती है वो कितना होती है, हमारे मिनिमम 3 सैंपल रिक्वायर्ड होते हैं, और उन 3 सैंपल के बेसिस पे हम यहाँ पर सारी चीजें निकाले, ठीक है। ठीक है, हम 3 केसेस के बेसिस पे हम यहाँ पर सारी चीजें निकाले, ठीक है। क्या रिप्लाई देना है सौरभ, आपका कमेंट बहुत ऊपर चला गया शायद, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, टर्बुलेंट में निकल कर क्या आता है, बहुत कम होता है, ठीक है, 1.12 ऐसा निकल के आता है, लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो हम बात करें 37 की बात करें, यहाँ पर कितना, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यहाँ पर 3 samples यहाँ पर लिए जाते हैं। 38 की बात करते हैं, इन अ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट की बात करते हैं, 38 की बात करते हैं यहाँ पर, 38 में अ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम 150 meters into 300 meters, कितना, 150 meters into 300 meters। तो 150 meters into 300 meters हम बात करें कितना, 150 meters into 300 meters ले लिया जाता है। और हम बात करते हैं यहाँ पर, सपोर्ट अ लाइव लोड ऑफ दिस वन, लाइव लोड ऑफ दिस वन यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लाइव लोड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कंडीशन निकल करके आएगी कि यहाँ पर हम बात करते हैं, इस तरह की कंडीशन निकल करके आएगी, और यहाँ पर लाइव लोड है कितने का, हम बात करें W = 5 kN/m का लाइव लोड है, ठीक है। अगर हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो L = 8 meters निकल करके आ गया, और हमें इट इज अ पैराबोलिक केबल, मतलब सेंट्रिसिटी जो मैक्सिमम है वो सेंटर पर होगी, और कॉर्नर पर या एजेस पर हमारी जीरो होगी, मतलब इस तरीके से टेंडन प्रोवाइड किया गया है। तो एसेंट्रिसिटी यहाँ बीच में कितनी होगी, यहाँ 75 mm निकल करके आएगी, कितनी, 75 mm, और जीरो एट द एंड्स। द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नेट रिजल्टेंट स्ट्रेस एट द बॉटम फाइबर एट मिड स्पान एज जीरो अंडर द एक्शन ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड एंड प्री स्ट्रेस लोड कितना होगा। अगर एक्शन ऑफ डेड लोड, लाइव लोड और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के बारे में निकालें, तो कितना होगा, तो हम अगर सिंपली एक क्वेश्चन लिखे जाएगा, P/A + PEZ, कितना, +PEZ - MZ = 0 लिखा जाएगा। क्यों, अगर हमसे पूछा गया है तो क्या है, मिड स्पान पर एस जीरो अंडर द एक्शन ऑफ डेड लोड, ठीक है। तो हमसे क्या हुआ, नेट रिजल्टेंट स्ट्रेस एट द बॉटम फाइबर, बॉटम फाइबर पर पूछा गया है, तो बॉटम फाइबर पर जो लोड लग रहा है, लोड के कारण कितना निकल करके आएगा, जो प्री स्ट्रेसिंग लोड के कारण क्या आएगा, पॉजिटिव टेंशन आएगा। और अगर हम बात करें इसके कारण कितना आएगा, वो निगेटिव आ जाएगा, तो M/Z निकाला गया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो पी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी गई है क्या, हम बात करते हैं पी की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है क्या, पी की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, निकालना है, हमें पी की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम बात करेंगे यहां पर कितना हो जाएगा, हम बात करते हैं P/A, तो P की वैल्यू हमें निकालना है, A की वैल्यू हमने लिख दी कितना, 150 into 300 था,
150 इंटू 300 था तो 150 इंटू 300 हमने लिख दिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लोड है तो पी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पी तो इंटू कितना है, हम बात करते हैं 75 इंटू 6, हम बात करते हैं कितना निकलेगा, सॉरी ये 6 नहीं आएगा, ये 75, ई की वैल्यू कितना है हमारी 75 एम एम है, ठीक है। अपॉन कितना बी डी क्यू बाई 8 निकल के आएगा, कितना आएगा हम बात करें जेड, जेड की वी डी स्क्वायर बाई 6 निकल गया, तो बी डी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितना है बी 150 इंटू डी स्क्वायर बाई ए 6 निकल के आएगा, जेड हो गया। माइनस एम बाई जेड की बात करें, एम बाई जेड, एम बाई जेड, एम क्या हो गया, एम की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा अलग से, तो एम इज इक्वल टू कितना हुआ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 निकल गया, क्यों, पैराबोलिक टेंडन है, और पैराबोलिक टेंडन है तो पैराबोलिक टेंडन के केस में कितना पैराबोलिक प्रोफाइल निकल के आएगी। लेकिन इस केस में क्या कि हमें डेड लोड दिया गया, इसने बोला डेड लोड के कारण निकाला है, डेड लोड दिया है, डेड लोड नहीं दिया है, सेक्शन दिया है, डेड लोड नहीं दिया है, तो डेड लोड हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम बात करें कितना है, डेंसिटी कितनी होती है 25 होती है, डेंसिटी कितनी होती है 25, तो डेड लोड कैलकुलेट करो, तो W लाइव लोड प्लस W डेड लोड अप इनटू L स्क्वायर बाई 8 निकल करके आएगा। तो हम बात करते हैं यहां पर कितना निकल करके आएगा, ये देखो यहां पर कितना निकल, W लाइव लोड तो हमें पता है कितना होगा, W लाइव लोड की वैल्यू बात करें कितना होगा 5 निकल करके आया था, यानी क्वेश्चन में कितना दिया है 5 किलोन्यूटन पर मीटर। अब हमें लाइव लोड की बात, डेड लोड निकालना है, तो डेड लोड के लिए कितना होता है, अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी होता है 25 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करें क्या होता है, तो हम बात करें वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करें कितना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हम बात करें 0.150 इंटू 0.300 इंटू कितना 8 निकल करके आएगा, तो हम लेंथ की बात करें तो वो 8 निकल करके आएगा। समझ में आया, पहले ये बताओ हाँ या ना, हाँ या ना, तो हम बात करें पर मीटर लेंथ निकालना है, तो पर मीटर लेंथ निकालना है तो डिवाइड बाई 8 कर दो, पर मीटर लेंथ निकालना है, ठीक है, हम बात करें ये करेंगे। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 25 से हमने यहां पर निकाले तो 8 कर दिया, तो हम बात करें ये कितना निकल कर आया, ये हमारा यहां पर ये निकल कर आया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 निकालेंगे, अब हम एल स्क्वायर बाई 8, समझ में आया कैसे निकालोगे, एम की वैल्यू, एम की वैल्यू समझ में आया, पहले ये बताओ हाँ या ना, पहले इतना बताओ एम की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये पूरी की पूरी नीचे से क्या निकाली हमने, ये एम की वैल्यू निकाली हुई, ये हमने क्या निकाला है, ये हमारा एम की वैल्यू निकाल के आया, बस एम की वैल्यू यहां रखना अपॉन जेड, जेड की वैल्यू किसे 150 इंटू 300 का स्क्वायर अपॉन 6 निकाला गया है, 150 अपॉन 300 का स्क्वायर, और बस इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं यहां पर 38 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्लियर है बात, अरे यार क्या हो रहा है, 38 का ऑप्शन नंबर 8 हमारा जो होगा, हमारा क्या हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर, चलो क्लियर। हाँ इसके बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कल तुम लोगों में से कई लोगों ने ऐसा बोला गया है कि सर क्या करते हो, 2-3 क्वेश्चन थे उसमें भी नहीं बताए, कल मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए, तो चिंता मत करो, कमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ सारे, क्या होता है क्या नहीं सब चेक कर लेता हूँ। तो लो तुम अब देखो, मैंने वहां टाइम बचाने के चक्कर में किया हुआ था, लेकिन कोई इश्यूज नहीं है, अगर तुम्हें ये भी करना है तो ये भी कर लेंगे, पूरा बता दूंगा मैं, कोई इश्यूज नहीं है। चलो 39 की बात करते हैं यहां पर, 39 की बात करते हैं यहां पर, 39 चलो, तो हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसकी बात बताओ, ठीक है। अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या निकल के आता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है यहां पर, देखो हम बात करते हैं यहां पर, तो हम बात करते हैं यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, द एक्सपांडिंग सीमेंट इज यूज्ड फॉर फिलिंग द क्रैक्स। अगर हम एक्सपांडिंग सीमेंट की बात करते हैं तो फिलिंग द क्रैक्स, क्रैक्स को फिलअप करने के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्रैक्स को फिलअप करने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं। व्हाइट सीमेंट इज मोस्टली यूज फॉर द डेकोरेटिव पर्पज, मोस्टली यूज हम कहते हैं हाँ मोस्टली हम बात करते हैं इस कंडीशन में यूज करते हैं। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट प्रोड्यूसेस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो हम कहते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट हमारा लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन करता है, बिल्कुल हमारा कर रहा होता है। हम कहते हैं हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्पेशल मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। तो हम कहते हैं चारों ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो 1, 2, 3, 4 इज द राइट आंसर। 39 की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4 इज द राइट आंसर निकल गया था, ठीक है। 39 के बाद 40 की बात करते हैं यहाँ पर, द प्रॉब्लम द प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, अगर हम कहते हैं प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड की बात करते हैं तो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड क्या निकल के आता है, तो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड हमेशा ज्यादा निकल करके आता है किससे, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड से। स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड से हमारा बात करते हैं,
तो हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर निकल करके आएगा, तो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 41 के लिए। तो 41 के लिए बात करते हैं, इफ द बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज, हम ए बी लाइन की बियरिंग की बात करते हैं, नॉर्थ 87 डिग्री 32 मिनट 0 सेकंड है, दैट ऑफ बी सी इतना है, देन द डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन द लाइन विल बी, डिफ्लेक्शन एंगल पूछा गया है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बियरिंग ऑफ ए बी लाइन बना लो, नॉर्थ दिस वन और ईस्ट, तो नॉर्थ दिस वन और ईस्ट, तो हमारे क्या नॉर्थ 87 ईस्ट निकल गया, 87 डिग्री 32 मिनट ईस्ट निकल करके आ गया। ठीक है, अब हमने बात की ए से कहां चले गए, हम बी पर चले गए, और ए से बी पर चले गए तो बी से हम बात करते हैं कहां पर, सी पर लेकर के आना, तो बी से सी पर लेकर के आना, तो बी से सी पर लेकर गए साउथ 35 डिग्री ईस्ट, तो साउथ 35 डिग्री ईस्ट यहां पर आएगा, साउथ 35 डिग्री ईस्ट, तो 35 डिग्री 20 मिनट ईस्ट निकल करके आएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है, डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है, तो इंक्लूडेड एंगल नहीं, डिफ्लेक्शन एंगल, तो डिफ्लेक्शन एंगल क्या करोगे, ये ऊपर जा रहा था इस तरीके से और यहां पर ये कन्वर्ट हो गया है, तो ये क्या हो गया, ये डिफ्लेक्शन एंगल निकल करके आ गया, क्या आ गया, डिफ्लेक्शन एंगल निकल गया। ठीक है, तो हम मतलब ये डिफ्लेक्शन एंगल, तो हम बात करें क्या है, ये पूरा एंगल निकाल लो, उसमें से ये एंगल माइनस कर दो, तो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल मिल जाएगा या नहीं। तो हमें क्या चाहिए, हमें थीटा वन की वैल्यू चाहिए, तो टोटल थीटा में से हम बात करते हैं कितना, थीटा टू माइनस कर दो, तो थीटा में से थीटा टू माइनस कर दोगे कितना निकल के आएगा, थीटा वन निकल करके आएगा। तो अगर हम थीटा वन की वैल्यू निकालना चाहते, थीटा निकालो पहले, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, हम बात करें 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री 20 मिनट निकल करके आएगा, तो हम बात करते हैं यहां पर कितना निकल के आएगा, वो वैल्यू आप लिखो। ठीक है, और थीटा टू की वैल्यू तो आपको पहले ही पता है कितना है, 87 डिग्री 32 मिनट निकल करके आ रहा है, तो ये तो हमारा ऑलरेडी आपको यहां पर ज्ञात ही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ये ज्ञात है, तो हम बात करें जो भी वैल्यू आएगी वहां से क्या आप इसको सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और नहीं अगर हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं यहां पर कितना निकल करके आएगा, 27 डिग्री 52 मिनट 40 सेकंड्स निकल करके आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, कुछ लोग लगातार सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्लियर है बात। तो ये कंडीशन निकल करके आती है, तो 41 का ऑप्शन नंबर 1। तो सेशन को शेयर करो जल्दी से यार, फटाफट शेयर करो सेशन को, हम बात करें सेशन को शेयर करो, हम बात करते हैं साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ। देखिएगा यहाँ पर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुपर कोचिंग जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं जिसमें आप अपनी प्रिपरेशंस को एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, चाहे कोई भी जेईई एग्जाम हो, कोई भी जेईई एग्जाम हो, कई एग्जाम हो, उसके लिए आप आसानी से एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर पूरी की पूरी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, और वो भी सुपर फास्ट वे में, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहे हैं एक नहीं दो नहीं नंबर ऑफ वीडियो कोर्सेज, एक नहीं दो नहीं नंबर ऑफ, एक एक सब्जेक्ट के तीन तीन वीडियो कोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे, और नंबर ऑफ फैकल्टी के द्वारा यहां पर इनको कवर अप किया जाएगा। हम बात करते हैं यहां पर, साथ ही साथ हम बात करते हैं यहां पर मॉक टेस्ट होगा, स्टडी नोट्स होंगे, प्रैक्टिस सेट्स होंगे, और क्विक डाउट रिजोल्यूशन सेशंस भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको डे बाय डे इंप्रूव करने के लिए जरूरी होती है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए जरूरी होती है, रिविजन के लिए स्टडी नोट्स अवेलेबल होंगे, तो वो आप काफी आसानी से वहां पर हम बात करते हैं रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो 25 सुपर टीचर्स हैं वो आपके बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के हैं, और जो आप टेस्ट बुक के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए हैं और टेस्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर अपने अपने कोर्सेज को यहां पर दे रहे हैं, साथ ही साथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही कोर्सेज यहां पर कंप्लीट किए जाएंगे, दोनों ही कोर्सेज। तो आप देखें तो यहां पर आपको एमपीजी के भी कोर्सेज हैं, अगर व्यापन सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर एमपीजी के का भी पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, मतलब अगर हम बात करें यूके के जीके का भी पूरा कोर्स अवेलेबल है, तो ऐसे अगर हम बात करें स्टेट वाइज भी अगर हम बात करते हैं तो ये नॉन टेक के कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है, तो आप इन सभी कोर्सेज को यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि आपके एक्सपर्ट्स जो है वो यहाँ पर आपके डाउट एंड क्वारी सेशंस ले रहे हैं, वो भी लाइव क्लासेस के थ्रू, और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस भी ले रहे हैं जिससे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया जा सके। तो वन ऑन वन इंटरेक्शन क्लासेस चल रही हैं जिसमें डाउट सॉल्विंग सेशन चल रहे हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप वैभव कोड के साथ इसको एनरोल कर सकते हैं, और अगर वैभव कोड के साथ एनरोल करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है अप टू 50% ऑफ। सो यही सब्सक्रिप्शन आपको लगभग पड़ेगा 500 रुपीज पर मंथ के बेसिस पे, अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लिए जाते हैं तो आप 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ 6 मंथ या 1 ईयर सब्सक्रिप्शन को देखें, वहां पर हम बात करते हैं यहाँ पर
वो कंडीशन ज्यादा बेटर निकल के आ रही है। तो वैभव कोड के साथ इसको एनरोल करो विदाउट एनी डिले यार, और एनरोल कर लो क्योंकि देखो एमपी जीके का कोर्स मिल रहा है, पूरा टेक्निकल मिल रहा है, नॉन टेक मिल रहा है, एसएससी जेके जीके का कोर्स मिल रहा है, और वो भी मिनिमम प्राइसिंग। आपको बात करें टोटल सब्सक्रिप्शन, आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन 7000 से लेकर के 6500 से लेकर के केवल 7000 में पड़ने वाला है, और वन ईयर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं ठीक है। तो ये हम बात करते हैं, ये कंडीशन निकल करके आ रही है। तो सुपर कोचिंग में जाकर के वैभव कोड लगा करके एनरोल करो, बहुत फायदा मिलने वाला है। जो लोग ले रहे हैं उनको फायदा समझ में आ रहा है ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप बास पास कोड के साथ आप टेस्ट बुक पास को भी यहां पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कि टेस्ट बुक पास भी यहां पर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल करके आती है ठीक है। तो वो कंडीशन यहां पर निकल के आती है, टेस्ट बुक पास को कैसे एक्सेस करना है थोड़ा सा हम वो भी यहां पर देख लेते हैं, और लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर भी हम यहां पर देखते हैं ठीक है। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन क्या था, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन क्या था उसको थोड़ा सा देखते हैं और उसका आंसर भी यहां पर चेक करते हैं ठीक है। तो हम बात करते हैं, बिल्कुल मैं लिंक भेज दूंगा अजय जी, बिल्कुल लिंक भेज दूंगा इसका, पूरा का पूरा लिंक भेज दूंगा। हाँ हरियाणा पीएससी वगैरह के भी उसमें कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, या हिमाचल के भी वहां पर कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं ठीक है। तो वो कोर्सेज मतलब ऐसे ऐसे ऐड यहां पर ऐसे दिखाएंगे हैं। चलो तो हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर देखना है हमें। चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो जो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, अरे यार ये क्या चल रहा है यार अभी, बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया, सारे ऐड अभी दिखा देंगे चलो। मतलब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन ये था कि हम बात कर रहे हैं यहां पर क्या था, हम बात कर रहे हैं यहां पर क्या था, इन एन हाईवे एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100 मीट्स विद एन डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 80 डिटरमाइन द डेविएशन। फिर से वही डेविएशन एंगल, तो जो आज का क्वेश्चन किया है, जो आज का क्वेश्चन किया है वही हम डेविएशन एंगल निकाला, तो डेविएशन एंगल की बात करें और डेविएशन एंगल यहां पर निकालते हैं। तो हम बात करते हैं कितना वो 9/400 आंसर आएगा, कितना 9/400। तो हम बात करते हैं यहां पर, महाशय जी बोले राज ठाकुर जी आपकी बात बिल्कुल ध्यान में रखी गई, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। 9/100 हमने बोला ऑप्शन नंबर डी। तो हम कहें गौरव कुणाल जी है यहां पर, ओके 45 का भी आंसर निकाल के दिया, बहुत बढ़िया गौरव जी, एक बीच में क्वेश्चन दिया होता। मैजिक ने भी आंसर दिया, मैजिक विद केमिस्ट्री मिस्टर सिंह, ओके। निकिता धाकरे जी ने दिया हुआ है, सुमन जेना जी ने दिया है, राजन कुमार जी ने दिया है, कुछ ज्यादा ही फास्ट बोलते हैं देख लो यहाँ पर। तो हम बात करें सी ऑप्शंस दिया गया, भरत जी ने गलत है भैया, डी ऑप्शन अनिल कुमार जी, ये पीडीएफ बिल्कुल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रही होती है। पीडीएफ कहाँ मिल रही होती है, टेलीग्राम चैनल पर मिल रही होती है। तो चलो अब हम बात करते हैं, अपने सेशन में वापस आ जाते हैं, सेशन में वापस आते हैं तो अपने स्टार्ट करते हैं फिर से अपने क्वेश्चन को बिल्कुल रैपिड फायर राउंड में, रैपिड फायर राउंड की तरह हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं अब ठीक है। थोड़ा सा रुको यार, अजय कुमार जी आपके लिए लिंक शेयर कर दी जाएगी ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करें आप, चलो चलें। बैरा और आरुषि का कलर सेम क्यों आ रहा है, सब एक एक आईडी बना के बैठे हो और आईडी भी ऐसे ही बना के बैठे हो, क्या बताएं। ठीक है चलो 42 की बात करते हैं यहां पर, अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरी, अगर हम कैनेडीज थ्योरी की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, हाँ भैया अभय जी बिल्कुल ठीक है, अभी तक इग्नोर ही कर रहे थे, अभी भी इग्नोर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा शांत रहिएगा, बाकी लोगों को मजा आएगा, बाकी लोग भी बोलते हैं फिर। अकॉर्डिंग टू द कैनेडीज थ्योरी फॉर चैनल डिजाइन द थिंग्स ऑफ चैनल शुड बी नोन, अगर हम बात करते हैं शुड बी नो, तो हम बात करें अकॉर्डिंग टू कैनेडीज थ्योरी फॉर द चैनल डिजाइन व्हाट थिंग्स ऑफ चैनल शुड बी नो, चैनल के बारे में क्या पता होना चाहिए। तो हम बात करें चैनल के बारे में, हमें डेप्थ के बारे में यहां पर पता होना चाहिए, तो चैनल डेप्थ के बारे में हमें यहां पर पता होना चाहिए, क्योंकि हम बात करें इनिशियली जो हम ट्रायल डेप्थ लेकर के ही यहां पर स्टार्टिंग कर रहे होते ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो डेप्थ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रायल डेप्थ लेकर के हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद उसको एक्चुअल डेप्थ से कंपेयर कर रहे होते हैं ठीक है। चलो तो 42 के बाद हम बात करते हैं 43 नंबर की, इफ द गेज प्रेशर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट आर ऑब्जर्व एज 70 mm ऑफ मरकरी एंड 750 mm ऑफ मरकरी रिस्पेक्टिवली ठीक है। वॉट इज द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट प्रेशर इन mm ऑफ मरकरी एट दैट पॉइंट,
एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो एब्सोल्यूट प्रेशर यहां पर निकालना है एमएम में, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करना है तो एब्सोल्यूट प्रेशर यहां पर निकालना है एमएम में, तो वो हम बात करते हैं यहां पर, तो वो कंडीशन निकल करके आ रही होती है, ठीक है, वो कंडीशन निकल करके आ रही होती, तो वो कंडीशन हम बात करते हैं, तो देखो यहां पर क्या है, द गेज प्रेशर बोला गया, तो गेज प्रेशर क्या होता है, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो होता है वो गेज प्रेशर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके ऊपर हमारा क्या निकल गया, गेज प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर दिया गया है, तो गेज प्रेशर कितना है 70 mm, और हम बात करें कितना है 750 mm, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर यहां पर दोनों को जोड़ने पर मिल जाएगा, तो 750 प्लस कितना मिलेगा हमें, 750 प्लस 70 मिलेगा, तो हम बात करें कितना 820 निकल कर जाएगा, 820 ऑफ mmg हम बात करते हैं यहां पर आंसर निकल गया, तो 43 का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आंसर निकल गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 44 की बात करते हैं, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कॉर्ड ऑन अर्थ सरफेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर, इसका आंसर इतनी बार हो गया है कि मैं ऐसे रटा रटाया बोल रहा हूं कि मैं तुरंत आंसर बता दूंगा तुम्हें, मैं बता दूंगा 10 mm आंसर होता है, ठीक है, तो हम बात करते हैं कितना होता है, तो हम बात करते हैं 12 किलोमीटर की बात करते हैं, तो 12 किलोमीटर के लिए हम बात करते हैं यहां पर कितना 1 cm का करेक्शन लगाते हैं, तो 12 किलोमीटर के लिए हम बात करते हैं प्लस 1 cm का करेक्शन यहां पर लगाते हैं, तो 1 cm का करेक्शन कहां पर लगाते हैं, 12 किलोमीटर के लिए लगाया जाता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं कितना 18.2, तो 18.2 के लिए कितना लगाते हैं 1/12 × 18.2 लगाएंगे, जब हम सॉल्व करेंगे लगभग 10 mm के लगभग आंसर निकल के आएगा, ठीक है, कितना 10 mm के लगभग आंसर निकल के आएगा, तो हम बात करें यहां पर, तो हम बात करते हैं यहां पर, ये यहां पर 10 mm आंसर निकल रहा है, तो 44 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 45 की बात करते हैं, फॉर आरसीसी वर्क्स नो रिडक्शन इज मेड इन एस्टीमेशन फॉर ओपनिंग अप टू, अगर आरसीसी वर्क की बात करते हैं तो आरसीसी वर्क में किसी भी तरीके का डिडक्शन अप्लाई नहीं किया जाता है अगर ओपनिंग अप टू कितना हो, तो ओपनिंग अगर हम बात कर आरसीसी वर्क की बात करें कितना अप टू 0.1 m² तक की ओपनिंग के लिए हम किसी भी तरीके का करेक्शन नहीं करते हैं, अगर हम प्लास्टरिंग की बात करते हैं प्लास्टरिंग में किस ओपनिंग तक के लिए कोई भी करेक्शन नहीं है, अगर प्लास्टरिंग की बात करते हैं तो 0.5 m² तक के लिए नो डिडक्शन हम अप्लाई कर रहे होते हैं, नो डिडक्शन हम बात करते हैं नो डिडक्शन हम अप्लाई कर रहे होते हैं, नो डिडक्शन कब तक, 0.5 से लेकर के 3 m² तक क्या करते हैं, वन फेस पर डिडक्शन करते हैं, और हम बात करते हैं 0.3 से ज्यादा होता है तो दोनों फेस पर डिडक्शन करते हैं, लेकिन जो एडिशन होता है सोफिट जैम और सिल के लिए जो एडिशन होता है उन एरिया को हम वहां पर ऐड कर देते हैं, तो हम बात करते हैं यहां पर वो कंडीशन निकल करके आ रही होती है, तो 45 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर निकल गया, 45 की बात करें ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो 46 की बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इन द माउंटेनियस कंट्री इज कंडीशंस बाय, अगर हम बात करते हैं यहां पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इन द माउंटेनियस कंट्री, माउंटेनियस कंट्री की बात करते हैं इस कंडीशन बाय, किसके द्वारा कंडीशंस किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करते हैं तो ड्रेनेज स्ट्रक्चर के द्वारा यहां पर हम देखे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इन द माउंटेनियस कंट्री इज कंडीशन बाय ड्रेनेज स्ट्रक्चर, तो ड्रेनेज की बात करते हैं तो ड्रेनेज के बेसिस पर हम यहां पर निकाल लेते हैं, 46 की बात करते हैं तो हम ड्रेनेज के बेसिस पे बात करते हैं हिली टेरेन में, ठीक है, चलो तो हम क्या 46 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द 47 की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मैच कीजिए, इनका मिलान कीजिएगा, तो हम बात करें टाइप ऑफ बीम कनेक्शन, जो हम बात करें टाइप ऑफ बीम कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ बीम कनेक्शन क्या होता है, फ्लेंज एंड वेव क्लिप की हम बात कर रहे होते हैं, टाइप ऑफ बीम कनेक्शन हम बात करते हैं फ्लेंज एंड बीम क्लिप की बात करते हैं, फ्रेम्ड कनेक्शन की बात करते हैं, फ्रेम्ड कनेक्शन किसमें निकल गया, फ्रेम्ड कनेक्शन कनेक्टिंग मेंबर यूज्ड, हम बात करें फ्रेम्ड कनेक्शन में जो होते हैं वो कनेक्टिंग मेंबर को हम वहां पर यूज कर रहे होते हैं, कनेक्टिंग मेंबर को हम बात करते हैं यहां पर कनेक्टिंग मेंबर होगा नहीं, वेव क्लेट ओनली होगा, क्या होगा, वेव क्लेट ओनली होगा, वेब क्लेट ओनली, तो हमें क्या वेब क्लेट ओनली होगा, क्या होगा, वेब क्लेट ओनली निकल के आएगा, तो हम क्या वेब क्लेट ओनली निकल के आएगा, ठीक है, तो हम बताए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर होगा, इसका वेब क्लेट ओनली आएगा, हम बताए फ्रेम्ड, क्योंकि देखो अनस्टिपेंड सीटेड की बात करें तो वो क्या निकल के आएगा, अनस्टिपेंड सीटिंग की बात करें तो कितना निकल गया, हम बताए वो फ्लेंज क्लेट निकल के आता है, और हम बताए स्टिपेंड सीटेड कनेक्शन की बात करें तो वो कनेक्टिंग मेंबर के लिए यूज होता है, इसके लिए कनेक्टिंग मेंबर के लिए यूज होता है, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर वो हम बात करते हैं यहां पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आंसर निकल गया, तो 47 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहां पर आंसर निकल गया, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आंसर निकल गया, तो 47 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, चलो 48 की बात करते हैं, पलटू रामो धोखा 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 तो होता है, धोखा तो बहुत खाते हो तुम लोग,
वीनो वाला काम मत करियो, मतलब अपने आप ही हंसी नहीं रुक रही है इनकी। जो ज्यादा हंसते हैं उनको पता क्या बोलती है दुनिया, हे प्रभु धर्मात्माओं आपके चरण कहाँ हैं, आपके उन चरणों पर मैं पत्थर पटक दूंगा। चलो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय दिस द एक्सप्रेशन, ठीक है, डिटरमाइन द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तो हम बात करते हैं यहां पे क्या है, डीपीई बाई डी एक्स निकालते हैं, dPe by dx इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो निकालते हैं। अगर हम बात करें फिर डी स्क्वायर पीई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आती है तो हमारा क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अगर डी स्क्वायर बाई पी डी स्क्वायर पीई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो निकल करके आती है तो क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, न्यूट्रल। और डी स्क्वायर पीई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो निकल के आती है तो हमारा क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम निकल करके आता है, क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन निकल के आता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल कर के आ रही होती है, तो हम बात करते हैं यहां पर ये तीन कंडीशंस को हमें ध्यान रखना है, इस पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और हम आपका क्या निकाला, डीपी बाई डी एक्स से एक्स की वैल्यू निकाला, तो हम कहें डीपी बाई डी एक्स कर दो तो डीपी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे कितना होगा, 30x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। अब ये x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी है, तो अगर हम x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी है तो हम x कोमा x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, x1 एंड x2 वैल्यू निकल करके आ गई, दो वैल्यू यहां पर निकल करके आएंगी, x1 एंड x2। जल्दी से मुझे बता दो x1 और x2 की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है। अब हम बात करें डी स्क्वायर पी वाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी स्क्वायर पी वाई डी एक्स निकालेंगे तो हम बात करें वो कितना आ रही है, वो आ रही है 60x प्लस 8। अब यहां पर एक बार x इज इक्वल टू एक्स वन रख देना और एक बार x इज इक्वल टू एक्स टू रख देना, ठीक है। तो हमें स्टेबल कंडीशन निकालनी है, तो एक पे आएगा पॉजिटिव जीरो से बड़ा और एक पे आएगा जीरो से छोटा, तो जहां पर जीरो से बड़ा आएगा वो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, स्टेबल कंडीशन निकल करके आ जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगा तो वो हमारी क्या हो गई, स्टेबल कंडीशन। तो स्टेबल कंडीशन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। एक्स की वैल्यू 0.3425 मीटर निकल के आएगी, तो हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही आंसर निकल करके आ जाएगा, क्लियर है। तो 48 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो 49 की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया है, तो अगर हम मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो साउंडनेस टेस्ट किसके से किया जाता है, हम क्या लीचेट लियर प्रिंसिपल से अपरेटस से यूज करते हैं, तो हम बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट की बात करते हैं किससे, लीचेट लियर प्रिंसिपल से हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं फाइननेस की बात करते हैं, तो फाइननेस जो निकल के आता है, फाइननेस किससे निकल के आता है, हम बात करें एयर परमिबिलिटी मेथड से निकल के आता है, फाइननेस जो होता है वो एयर परमिबिलिटी मेथड से हम बात करते हैं निकल के आता है। सेटिंग टाइम जो होता है वो कौन सा होता है, वो विकेट एपरेटस से निकल के आता है, विकेट एपरेटस। और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो निकल के आता है वो किससे होता है, वो हमारा निकल करके आ रहा होता है विकेट एपरेटस से निकल के आता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 2413 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर निकल गया। तो 41 का हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। 49 के बाद 50 की बात करते हैं, अ गुड बिल्डिंग स्टोन इज वन Which does not absorb more than इतने परसेंट ऑफ वाटर ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर आफ्टर वन डे इमर्सन। अगर वन डे इमर्स की बात करते हैं तो यहां पर कौन सा यहां पर निकले, तो हम बात करते हैं इसको 5% से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, 5% से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब यहां पर नहीं करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहां पर राइट आंसर निकल करके आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहां पर राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलो 51 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट द परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन द रूट जोन एट द परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल इज 0.4 मीटर, द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ड्राई डेंसिटी कितना दिया है, 16। तो हम आते हैं फॉर्मूला तो हम भूल गए हैं, फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को, तो हम आते हैं फॉर्मूला तुम ही बता दो मुझे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ द रूट जोन इंटू पी डब्ल्यू पी निकल के आता है, ठीक है। तो कैलकुलेट द परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इफ द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द रूट जोन एट द परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल इज 0.4 मीटर।
डेप्थ ऑफ वाटर कितना दे दिया गया है 0.4 मीटर, ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। तो हम बात करें डीडब्ल्यू की वैल्यू उसने ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर दी है, और कहां पे मेंशन किया है, पर मीटर डेप्थ। पर मीटर डेप्थ मतलब रूट जोन की डेप्थ कितना 1 मीटर। तो हम क्या 0.4 मीटर इज इक्वल टू कितना गामा डब्ल्यू की वैल्यू 16/9.81 इंटू कितना डी की वैल्यू 1 इंटू पीडब्ल्यूपी। बस पीडब्ल्यूपी की वैल्यू निकाल लो, और पीडब्ल्यूपी की जो वैल्यू निकल करके आएगी वही हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, और आंसर निकल करके क्या आ रहा है 0.245 निकल करके आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर निकल करके आ रहा है, ठीक है। 52 की बात करते हैं, अ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट इंक्लूड्स द, अगर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पे द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट इंक्लूड्स द, वो क्या इंक्लूड्स कर रहा होता है, वो इंक्लूड्स कर रहा होता है इक्विपमेंट्स एंड ओवरहेड कॉस्ट, बिल्कुल हम क्या ये इंक्लूड कर रहा होता है, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट बिल्कुल इंक्लूड कर रहा होता है, प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर ये भी इंक्लूड करता है। तो हम क्या करें, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन क्या निकल के आते हैं, करेक्ट निकल के आते हैं, तो सभी को इंक्लूड कर रहा होता है, ठीक है। 53 की बात करें, विथ इंक्रीज अगर हम बात करते हैं, क्या विथ इंक्रीज हम बात करते हैं, विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द बल्किंग ऑफ सैंड, अगर मॉइस्चर कंटेंट में इंक्रीज होगा तो बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, अगर हम बात करें स्लाइटली मॉइस्चर सैंड है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जहां पर मॉइस्चर ज्यादा निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, बल्किंग बोल रहे होते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं वॉल्यूम ज्यादा निकल के आता है, वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होगा, अगर हम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते जाते हैं तो एक कंडीशन के बाद हमारा बल्किंग के कारण क्या होता है, बल्किंग का कारण होता है कैपिलरी, और वो कैपिलरी जोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा बल्किंग खत्म हो जाएगा, और बल्किंग खत्म होता है तो हमारा क्या होता है, नीचे की तरफ वॉल्यूम कम होने लगता है, तो वॉल्यूम कम होने लगता है तो हम बात करते हैं क्या है, फर्स्ट इंक्रीजेस टू द सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो हम बात करते हैं वॉल्यूम जो होगा पहले इंक्रीज होता है, और हम बात करते हैं यहां पर क्या होगा, देन सर्टेनली डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाता है। तो हम बात करते हैं यहां पर 53 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 50 अच्छा ये बताओ, बल्किंग ऑफ सैंड के लिए मॉइस्चर कंटेंट अप्रॉक्सिमेटली कितना था, 4-6% मॉइस्चर कंटेंट हम यहाँ पर लेकर के चल रहे होते, कितना 4-6% हम यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर लेकर के चल रहे होते, तो मैक्सिमम वैल्यू पे हम बात करें 5% लगभग मान करके चलते हैं, ठीक है। 54 की बात करते हैं, एन एरोबिक ट्रीटमेंट इज बेस्ट सुटेड फॉर, अगर हम बात करते हैं एन एरोबिक ट्रीटमेंट की, तो एन एरोबिक ट्रीटमेंट बेस्ट सुटेबल किसके लिए निकल के आता है, तो हम बात करें स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए हम बात करते हैं, जो हमारा निकल करके आता है ये मोस्ट सुटेबल निकल करके आ रहा होता है, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए हमारा मोस्ट सुटेबल निकल करके आ रहा होता है, ठीक है। 55 की बात करें, द मेन एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर इज, स्टील मेंबर का जो मेन एडवांटेज है वो क्या है, तो मेन एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर इज, स्टील मेंबर का मेन एडवांटेज क्या निकल गया, तो स्टील मेंबर का जो मेन एडवांटेज इज हाई स्ट्रेंथ, बिल्कुल हाई स्ट्रेंथ रखता है, बिल्कुल सही बात है, गैस एंड वाटर टाइटनेस, गैस और वाटर टाइटनेस होती है, बिल्कुल है हमारा, इट्स लॉन्ग सर्विस, बिल्कुल सर्विस लाइफ भी लॉन्ग होती है, तो हम बात करेंगे सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट निकल के आते हैं, तो 55 का हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 56 की बात करते हैं, फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ रिवर्स द टाइप ऑफ कैनाल कंस्ट्रक्टेड इज, अगर डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर की बात करते हैं ऑफ रिवर्स के, द टाइप ऑफ कैनाल जो कंस्ट्रक्टेड किया जाता है वो हम कौन सा करते हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पर इनंडेशन कैनाल की हम बात कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं वहां पर उसको क्या बोलते हैं, इनंडेशन कैनाल भी हम यहाँ पर बोल रहे होते हैं, तो इनंडेशन कैनाल इज द राइट आंसर, ठीक है। रिज कैनाल कौन सी होती है, जो रिज लाइन के अलोंग रन कर रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिज कैनाल बोल रहे होते हैं। पेरेनियल कैनाल क्या होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं ईयरली पानी, वाटर हमेशा वाटर अवेलेबल होता है, उसको हम बोलते हैं पेरेनियल कैनाल। और कैनाल को हमको पता ही है कि कैनाल क्या है, आर्टिफिशियल चैनल है जो हम वाटर कैरी कर रहा होता है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं 57 नंबर की बात कर लें, तो द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द रफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड, एक प्रोजेक्ट के रफ कॉस्ट पर आने की प्रक्रिया क्या कही जाती है, तो हम बात करते हैं इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एस्टिमेशन। और डिटेल्ड कॉस्ट की बात करें तो हम डिटेल कॉस्ट की बात करें, बेटा डिटेल कॉस्ट के बारे में पता करना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिटेल कॉस्ट के बारे में पता करना, ठीक है। तो हम उसको एस्टिमेशन बोल रहे होते हैं, ठीक है। 58 की बात करते हैं, इन अ ट्रस शोन इन द फिगर बिलो द फोर्स इन द मेंबर बी सी इज, बीसी मेंबर में फोर्स की वैल्यू बताई, तो देखो दो जनरल रूल होते हैं,
अगर तीन मेंबर एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं और दो मेंबर कोलिनियर हैं तो तीसरे मेंबर में फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अगर दो मेंबर किसी भी एंगल पर मिल रहे हैं और इस पॉइंट पर कोई भी लोडिंग नहीं है तो दोनों मेंबर में फोर्स क्या निकल करके आएगा, जीरो निकल करके आएगा। तो यहां पर भी हम बात करते हैं तो यहां पर वो फोर्स क्या निकल के आ रहा है दोनों कंडीशन में, क्योंकि यहां पर सी पॉइंट पर कोई लोडिंग नहीं है और दोनों मेंबर किसी एंगल पर मिल रहे हैं, इसलिए हम बात करें जीरो निकल करके आएगा। तो जीरो फोर्स लॉ हम यहां पर बात करते हैं 58 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 59 की बात करते हैं, अ टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू द पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द विंड, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर शुड नॉट एक्सीड। स्लेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं हम, वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अ टेंशन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू द पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द विंड, देन द स्लेंडरनेस रेशियो शुड नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 350 से ज्यादा निकल करके नहीं आना चाहिए। तो हम बात करते हैं यहां पर 350 से ज्यादा निकल करके नहीं आना चाहिए। तो हम बात करते हैं 59 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम बात करें 60 की बात करते हैं, तो 60 की बात करते हैं यहां पर, तो ये कंडीशन निकल करके आ रही होती है। ठीक है, चलो, तो एज पर IS इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स प्रोवाइडेड इन अ कॉलम शैल बी डिफरेंट इन रेक्टेंगुलर कॉलर एंड इन सर्कुलर कॉलर। तो रेक्टेंगुलर कॉलम में कितनी होती है, 4 बार्स की हम बात कर रहे होते हैं, रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 बार्स होना चाहिए। ठीक है, सर्कुलर में मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 6 बार्स की बात की जाती है, सर्कुलर में 6 बार्स मिनिमम होना चाहिए। तो हम क्या 4 और 6 की बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 60 का बात करें, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 61 क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं यहां पर, वॉट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ 7 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। सीमेंट कॉन्क्रीट की जो 7 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं और 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इनमें जो निकल करके आता है वो क्या कंडीशन निकल करके आता है। कार्तिक जी को बफर ही होता रहता है हमेशा यार, इनका कुछ नहीं हो। सब लोग बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। तो हम बात करते हैं कितना होगा, 0.65%, यानी लगभग 65% लिखकर क्या, लगभग 67 होता है, तो हम 0.65। तो हम बाकी 1 डे पर जो स्ट्रेंथ गेन होती है वो कितनी होती है, लगभग 16% होती है। अगर हम बाकी 3 डे पर, तो 3 डे पर कितनी होती है, लगभग 40% होती है। और 7 डेज पे बात करें तो लगभग कितनी हो जाती है, वो हम बात करें 65% यहाँ पे लिखा हुआ है। और 14 डेज पर जो निकल के वो कितनी होती है, लगभग 90%। और 28 डेज पर हम बात करें कितना, 99% निकल करके आती है। तो स्ट्रेंथ गेन का जो पैरामीटर है, तो हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल करके आ रही होती है। तो सेशन को शेयर करो यार, फटाफट शेयर करो और सेशन को लाइक कीजिएगा जल्दी से। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक करें और फटाफट शेयर करें। ठीक है, चलो स्नेहल जी, ओके, चलो बहुत बढ़िया। 62 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं यहां पर, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W यूनिट पर लेंथ ओवर द एंटायर स्पान ऑफ अ कैंटिलीवर लेंथ L एंड फ्लक्सरल रिजिडिटी EI विल बी। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कितना होगा, वो होता है WL4/8EI निकल के आता है। कितना, WL4/8EI निकल के आता है। तो WL4/8EI यहां पर आंसर निकल के आता है। तो हम बात करते हैं यहां पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 63 की बात करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द पाइप और इन टू डिफरेंट पाइप्स। चाहे वो दो डिफरेंट पाइप्स के बीच में हो या एक ही पाइप के बीच में दो पॉइंट पर हो, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर को एक ही पाइप में दो पॉइंट के बीच, या फिर हम बात करें दो अलग अलग पाइप में दो पॉइंट के बीच डिफरेंस निकालने के लिए हम यूज करते हैं, उसको डिफरेंशियल मैनोमीटर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 64 की बात करते हैं, इन अ ट्राइएक्सियल टेस्ट द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अगर ट्राइएक्सियल टेस्ट की बात करते हैं तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सी होती है, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होती है वो हमारा क्या होती है, सबसे पहले ट्राइएक्सियल टेस्ट में क्या करते हैं हम, सबसे पहले ऑल अराउंड कन्फाइनिंग प्रेशर लगा रहे होते हैं। तो ऑल अराउंड कन्फाइनिंग प्रेशर स्ट्रेसेस जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो हमारी निकल के आती है σ3 के बराबर। उसके बाद क्या करते हैं हम, एक वर्टिकल डायरेक्शन में यानी एक्सियल डायरेक्शन में हम याद करते हैं स्ट्रेसेस को σd से बढ़ा देते हैं।
डेविट स्ट्रेस के नाम से हम बढ़ाते हैं, सिग्मा डी से बढ़ा देते हैं, और जब हम सिग्मा डी से बढ़ा देते हैं तो इस पूरी डायरेक्शन में जो स्ट्रेस निकलती है वो सिग्मा वन हो जाती है, वो कितना होता है सिग्मा डी प्लस सिग्मा थ्री, क्योंकि सिग्मा थ्री पहले से लग रहा था सिग्मा डी प्लस है, और यही किसके तरह काम करती है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की तरह काम करती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वो कंडीशन क्या निकल के आती है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर सेल प्रेशर प्लस डेविएटर स्ट्रेस हमारी क्या निकल के आती है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पर निकल कर गया। तो 64 की बात करें, ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। 64 की बात करें, 64 था कि 63 था, 65 की बात करते हैं यहां पर। इन अ स्ट्रक्चर वाई आर द केबल्स एंड वायर्स आर जनरली यूज्ड, हम बात करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में केबल्स और वायर्स को क्यों यूज किया जा रहा होता है। तो हम बात करते हैं टू रेजिस्ट द शेयर स्ट्रेस, किसी भी तरीके की शेयर स्ट्रेस को हम बात करते हैं, ठीक है, वो हम बात करते हैं यहां पर। चलो हम बात करते हैं, तो फिर टू शेयर टू रेजिस्ट द शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए, तो हम बात करते हैं नहीं, शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए नहीं होगा। हम बात करें एयर कंप्रेशन मेंबर के लिए नहीं होगा, फ्लेक्सिबल मेंबर के लिए नहीं, तो किसके लिए होगा, नन ऑफ दीज के लिए यहां पर यूज किया जाएगा। तो हम बात करते हैं यहां पर नन ऑफ दीज के लिए हम यहां पर यूज करते हैं। लेकिन हाँ, अगर केबल सस्पेंशन ब्रिज की बात की जाती है तो हम बात करें उन केबल्स को हम यूज करते हैं, केबल्स और वायर्स को जनरली हम यूज करते हैं। यहां पर क्या होता है, केबल बाइंडिंग के लिए हम यहां पर केबल और नॉर्मल स्ट्रक्चर में हम बाइंडिंग के लिए केबल और वायर को हम यहां पर यूज करते हैं। जैसे तुमने वायर देखा होगा, जो हम बात करते हैं यहां पर जो हम रेनफोर्समेंट बांधते हैं, तो उसको बांधने के लिए वायर्स का वहां पर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो 66 की बात करते हैं, 66 की बात करते हैं। अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन दिस वन एंड दिस वन इज सब्जेक्टेड टू द ट्विस्टिंग मूवमेंट ड्यू टू द एसेंट्रिसिटिक लोड, देन द साइड फेस रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इन स्क्वायर एमएम मीटर स्क्वायर एमएम इज, किसमें स्क्वायर एमएम में निकलना है, इसका आंसर दो। चलो स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना आएगा, कितना होता है जल्दी बताओ, 0.1% ऑफ ग्रॉस, 0.1% ऑफ ग्रॉस एरिया निकल कर जाता है, कितना 0.1% ऑफ ग्रॉस एरिया आता है। तो 0.1% ऑफ ग्रॉस एरिया निकालो, 0.1 अपॉन, हम मत कहें 0.1 अपॉन कितना आ जाएगा, 0.1 अपॉन 100 निकल करके आएगा, ग्रॉस एरिया कितना है 400 × 750 निकल गया, कितना 400 × 750। तो 400 × 750 निकालेंगे, तो इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है, जब आप ये वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हम चार, ये चार 75 × 4 150 300, तो हम कहते 300 यहाँ पर mm स्क्वायर निकल के जाएगा, कितना 300। तो 66 की बात करते हैं, यहाँ पर 300 mm स्क्वायर आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। 66 के बाद 67 की बात करते हैं, यहाँ पर 67 की बात करते हैं, तो क्या द मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ फ्रिक्शन पाइल इज टेकन एज, फ्रिक्शन पाइल के बीच में जो मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ली जाती है वो कितनी ली जाती है, तो हम आके जनरली हम आके 2.5D से लेकर के 4D के बीच में वैल्यू ली जाती है, और हम मोस्ट कॉमनली कितनी यूज करते हैं, 3D यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज हम बात करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो हम बात करते हैं वो कितना निकल करके आता है, वो हमारा 3D निकल करके आ रहा होता है, 3D निकल करके आ रहा होता है। तो हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल करके आई, ठीक है। चलो 68 की बात करते हैं, करेक्शन पर चेन लेंथ फॉर 100 लिंक्स अलोंग अ स्लोप ऑफ अल्फा रेडियंसेस। तो देखो हमने बात की हुई थी जब हमने सर्वेइंग के लेक्चर पढ़े हुए थे पूरे, तो हमने क्या बात की हुई थी, हमने बात की हुई थी कि जो हाइपोटेन्यूसुलर करेक्शन है वो डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, उसमें से एक तरीका लिखने का ये भी है, और एक तरीका लिखने का क्या बोलता है, तो हम बात करते हैं जब रेडियन में दिया गया है तो हम बात करें कितना 100 α² निकल के आता है, 10 α² यहाँ पर निकल गया, तो 100 α निकल के आता है, तो 100 α इज द राइट आंसर हो जाएगा, कितना 100 α यहाँ पर राइट आंसर निकल करके आएगा। तो हम क्या 10 α² आ रहा है यहाँ पर आंसर, 100 α आंसर होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर आंसर गलत दिया है 10 α², ध्यान रखना थोड़ा सा इसको, ध्यान रखना थोड़ा सा, क्लियर है बात। और अगर हम स्लोपिंग कंडीशन में लगाएंगे तो देखो यहां पर हम कहें स्लोपिंग कंडीशन, अगर हम स्लोपिंग कंडीशन की ध्यान में रखते हुए बनाएंगे तब हमारा 10 α² हो सकता है,
हाँ उस कंडीशन में टेन अल्फा स्क्वायर हो सकता है, वो रेडियन में दिया है तो उस कंडीशन में टेन अल्फा स्क्वायर हो सकता है, हो भी सकता है टेन अल्फा स्क्वायर, ऐसा नहीं है। तो दो दो ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन में, फिर तो इस क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन सही हो गए हैं। तो हम बात करें तो यहां पर रेडियन का बोला गया है, तो ज्यादा बेटर होता है कि रेडियन के केस में वही निकल के आएगा टेन अल्फा स्क्वायर, तो हम ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे यहां पर, ऑप्शन नंबर ए की बात यहां पर ज्यादा बेटर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम आपका किसमें रेडियंस में दिया गया है, रेडियंस में दिया गया है। ठीक है, हाँ किलोमीटर में टेन अल्फा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए ही है, बिल्कुल ए सी है। चलो 69 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट रिड्यूस लेवल एंड द फर्स्ट रिड्यूस लेवल इज इक्वल टू, अगर लास्ट रिड्यूस लेवल और फर्स्ट रिड्यूस लेवल की बात करते हैं तो किसके बराबर निकल के आता है, तो हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द बैक साइड एंड इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड के सम से यहां पर कुछ भी नहीं लेना देना होता है। ठीक है, इफ डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द बैक साइड एंड द रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंचमार्क, गलत बात है, रिड्यूस लेवल से नहीं होता, बैक साइड और फोर साइड का समेशन का सम देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड, तो फोर साइड और बैक साइड के सम का डिफरेंस निकल करके आता है तो हमारा ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द बैक साइड एंड हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, गलत बात है, तो हम बात करें ये तो हमारा आंसर निकल करके नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। ठीक है, 70 की बात करते हैं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, और उसमें दो मेथड होती है, देखो दो मेथड होती है, एक हमारी होती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और एक होती है राइज एंड फॉल मेथड, दोनों मेथड की बात करते हैं। ठीक है, चलो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सरफेस फॉर अ रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ एच हाइट इमर्स वर्टिकली इन अ वाटर, अगर हम आगे वाटर इन वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ एच, अगर एच डेप्थ तक हम बात कर रहे हैं इसको हमने इमर्स किया हुआ है, एच डेप्थ तक की बात करते हैं तो एच डेप्थ तक हमने इसको एच डेप्थ तक हमने क्या किया हुआ इमर्स किया हुआ, अगर हमने एच डेप्थ तक इमर्स किया हुआ है तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी वैल्यू निकल करके आएगी, तो वैल्यू कितनी निकल कर आती है जल्दी बता दो, हम बात करें एच इज इक्वल टू कितना होता है एक्स बार, एच बार इज इक्वल टू कितना होता है एक्स बार प्लस हम बात करें कितना आई जी अपॉन ए ए एरिया ऑफ साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा स्क्वायर नहीं साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, तो आई जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आई जी इज इक्वल टू कितना होता है बी एच क्यू बाई 12 निकल के आएगा, आई जी इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स वार की वैल्यू कितना होगी एच बाई 2 निकल के आएगी, एरिया की वैल्यू कितनी आएगी बी इंटू एच, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसकी 1 रख दी जाती है, तो हम एच वार की वैल्यू निकालते हैं तो एच वार इज इक्वल टू कितना होगा एच बाई 2 प्लस हम बात करें बी एच क्यू बाई 12 अपॉन हम बात करते हैं बी इंटू एच निकल के आएगा, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, और एच स्क्वायर बाई 12 में हम बात करते हैं यहां पर कितना हो जाएगा एच वाई 2 कॉमन ले लो, हम बात करें एच वाई 2 कॉमन ले लो तो हम बात करें h वहां पे बचा रहेगा तो कितना हो जाएगा 3h बाई 4 निकल के जाएगा, कितना 3h बाई 4 निकल के जाएगा, तो कितना एच वाई 12 आएगा तो 3h बाई 4 यहां पर आंसर निकल गया, कितना आ रहा है नहीं 2h बाई 3 आता है, 2h बाई 3 आता है, कितना 2h बाई 3 आएगा, टेंशन छोड़ोगे सब चीज याद आ जाएगी, टेंशन छोड़ो सब चीज आ जाएगी, ठीक है, टेंशन छोड़ोगे तो हम बात करें सब चीज याद आ जाएगी, क्लियर है बात, चलो सबसे बड़ी टेंशन तो यही होती है कि वो है 70 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 71 की बात करते हैं, द सेंट्रीफ्यूगल पंप शुड बी इंस्टॉल्ड अबव द वाटर लेवल इन द सम्प सच दैट, अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है यहां पर ट्राइंगल में 3h/4 होता है, द सेंट्रीफ्यूगल पंप शुड बी इंस्टॉल्ड अबव द वाटर लेवल इन द सम्प सच दैट, किस तरीके से इंस्टॉल होना चाहिए, तो हम बात करते हैं यहां पर इट हाइट इज नॉट मोर देन 1.03 मीटर एट द रूम टेम्परेचर ऑफ, गलत है, हम बात करते हैं इट्स हाइट इज नॉट अलाउड टू एक्सीड 6.7 मीटर, ये भी गलत है, हम बात करते हैं यहां पर द नेगेटिव प्रेशर डज नॉट रीच एज लो, हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर इतना लो नहीं होना चाहिए एज द वेपर प्रेशर, तो हम कहते हैं ये हमारा सही आंसर निकल गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर निकल करके आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, 72 की बात करते हैं, 72 की बात, इन द केस ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट कॉलम फुटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर टू बी प्रोवाइडेड फॉर मीटिंग द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट इज,
रेनफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम फुटिंग के केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर की मिनिमम वैल्यू जो निकल के आती है वो प्रोवाइडेड फॉर द मीटिंग ऑफ द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट इज। नजर अहमद जी आए हैं क्या? नजर अहमद जी वो आए हैं क्या? तो वो कितनी होती है? तो हम बात करते हैं वो कितनी होती है, वो 50 mm निकल करके आता है। कितना? 50 mm निकल करके आता है। तो हम अगर 72 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 73 की बात करते हैं। यहां पर विच प्रोसेस कम्स आफ्टर बैचिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, कौन सी प्रोसेस हम बात करते हैं कम्स आफ्टर द बैचिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, चलो उनको टेलीग्राम पे मैसेज कर देना भाई, मैं उनकी PDF शेयर कर दूंगा सारी। ठीक है, याद है मुझे, कल कुछ काम में बिजी हो गया, नहीं कर पाया। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कंप्रेस करके करना, तो कंप्रेस भी करना पड़ेगा अभी वो। ठीक है, वो सारे काम करने के बाद ही भेजूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। विच प्रोसेस कम्स आफ्टर बैचिंग इन मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ कॉन्क्रीट, हम बात करते हैं वो किसमें निकल के आता है, तो कौन सी प्रोसेस निकल के आती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी मिक्सिंग जो निकल के आती है वो बैचिंग के बाद हमारी मिक्सिंग निकल के आती है। तो हम बात करें मिक्सिंग एंड वेइंग भी हम बात कर सकते हैं, वेइंग यहाँ पर आंसर होता, तो मिक्सिंग एंड वेइंग यहाँ पर आंसर हो जाता। ठीक है, तो हम बात करें 73 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, 74 की बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं द स्टैंडर्ड प्लास्टिसिटी। तो हम बात करते हैं द स्टैंडर्ड प्लास्टिसिटी चार्ट टू क्लासिफाई द फाइन ग्रेन सॉइल इज शोन इन द फिगर बिलो। तो हम बात करें ये हमारा चार्ट दिया गया है, अगर इस चार्ट पे बात करते हैं तो हम बात करें आइडेंटिफाई द सॉइल एक्स, जो सॉइल एक्स है वो सॉइल एक्स को देखो, ए लाइन की इक्वेशन, अगर हम ए लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, वो ए लाइन की इक्वेशन कितना होता है 0.73 आई पी इज इक्वल टू, हम बात करें आई पी इज इक्वल टू 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20। तो हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल के आती है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे डब्ल्यू एल माइनस 20 निकल के आते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके नीचे जो सॉइल होंगी वो हमारी कौन सी होंगी, वो हमारी होगी यहाँ पर सिल्ट होगी या फिर ऑर्गेनिक क्ले होगी, इसके ऊपर क्या होगी क्ले निकल करके आएगी। तो हायर प्लास्टिसिटी का क्ले यहाँ पर बात करते हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ये कंडीशन निकल के आती है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर 20 से नीचे की बात करें तो 20 से 35 की बात करें तो कितना निकल के आता है, ये हमारा लो कंप्रेसिबल निकल के आता है। कितना? लो कंप्रेसिबल सॉइल होता है। और अगर हम बात करें 35 से 50 की बात करें तो कितना होता है, वो मीडियम कंप्रेसिबल होता है। तो 50 के ऊपर जितना भी चला जाए वो कितना होता है, वो हाई कंप्रेसिबल निकल करके आता है। ठीक है, हाई कंप्रेसिबल। तो यहाँ पर एक्स वैल्यू जो है वो 35 से 50 के बीच में है, अगर 35 से 50 के बीच में है तो ये कौन सी सॉइल कही जाएगी, हम कहें मीडियम कंप्रेसिबल। अगर मीडियम कंप्रेसिबल कही जाएगी, ये मीडियम कंप्रेसिबल कही जाएगी, तो हम क्या इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी भी बोल सकते हैं और मीडियम भी बोल सकते हैं। तो देखो लो होगा नहीं, हाई होगा नहीं, मीडियम, यहाँ मीडियम है और यहाँ इंटरमीडिएट है, दोनों कंडीशन। लेकिन ये कौन सी है, ये ऑर्गेनिक है, इसके ऊपर कौन सी होती है क्ले होती है, तो ये ऑर्गेनिक हो नहीं सकती, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होती है, इसके ऊपर होता है यू लाइन, और यू लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर हम बात करें यहाँ पर यू लाइन निकल कर आता है, तो यू लाइन की इक्वेशन क्या होती है भैया, यू लाइन की इक्वेशन और लिख लेते हैं, तो यू लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आई पी इज इक्वल टू 0.9 डब्ल्यू एल माइनस 8 निकल करके आएगा। तो हम बात करते हैं यू लाइन की इक्वेशन यहाँ पर ये निकल करते, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर निकल करके आएगा। यू लाइन के ऊपर कोई भी सॉइल नहीं पाई जाती है, ये भी सत्य है कि यू लाइन के ऊपर कोई भी सॉइल नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। एन इलांगेटेड चैन कैन नॉट बी एडजस्टेड बाय, एक इलांगेटेड चैन की बात करते हैं, उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग द समरिंग, समरिंग को स्ट्रेच करके इलांगेट किया जा सकता है, तो ये गलत हो गया। क्लोजिंग अप द कनेक्टिंग रिंग्स इफ दे हैव ओपन, तो हम आपके कनेक्टिंग रिंग को क्लोज करने पे बिल्कुल हम कर सकते हैं यहाँ पर, हम बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेटनिंग द लिंक्स दैट हैव बिकम बैंड, जो बैंड हो गई उनको स्ट्रेटनिंग करना, बिल्कुल सही बात है। तो हम आपके हीटिंग अप द, हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, ये आंसर नहीं हो सकते, मतलब हीटिंग अप द चेन, तो चेन को हीट अप करने पे वो इलांगेटेड नहीं होगी। हम बात करते हैं इलांगेटेड चेन कैन बी एडजस्टेड, एडजस्ट नहीं किया सकती है। तो हम बात करते हैं हीटिंग करने पे क्या होगा, और लेंथ बढ़ जाएगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक कंडीशन निकल कर गए, क्लियर है बात, हाँ, कैन नॉट पूछा है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो आपका होमवर्क क्वेश्चन,
रहेगा और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। तो मोस्टली लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा भैया इस आंसर क्या होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा। हम बात करते हैं ये कंडीशन, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को आप वैभव कोड के साथ एनरोल कर सकते हैं, जिससे आपको मिलेगा, इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसमें हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल, टेक्निकल पूरा मिलने वाला है, वीडियो कोर्सेज मिलने वाले हैं डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और हम बात करते हैं यहाँ पर मिलेगा अप टू 50% तक ऑफ मिलने वाला है यहां पर इस कंडीशन के अंदर भी। तो हम सुपर कोचिंग को एनरोल कर सकते हैं और साथ ही साथ बास पास कोड के साथ टेस्ट बुक पास को भी यहां पर एनरोल कर सकते हैं। सुपर कोचिंग को एनरोल करने के लिए किस तरीके से जाना है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाओगे आप, तो डिस्क्रिप्शन में जाने पे आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां पर AEJEE सिविल की जो लिंक मिल रही है, इस लिंक पर आपने क्लिक किया और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम बात करते हैं यहां पर, सेशन को पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर AEJEE को सुपर कोचिंग की बात की जा रही है, तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट फैकल्टीज और यहाँ पर डिफरेंट चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं और उनके साथ पढ़ने का मौका भी है। हम बात करते हैं यहाँ पर, आप कूपन कोड लगाना है तो सबसे पहले लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आप परचेज सेक्शन में जाएंगे और वहां पर हम कूपन अप्लाई करेंगे वैभव, और वैभव कूपन अप्लाई करके 50% तक का डिस्काउंट यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम बात करते हैं यहीं पर टेस्ट बुक पास भी इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। नीचे जाएंगे यहाँ पर तो टेस्ट बुक पास की लिंक आएगी और टेस्ट बुक पास की आएगी तो यहां पर हम इस तरीके से इनरोल कर सकते हैं, जिसमें हम बात करें ईएलडी पास जो है वो 360 रुपीस में आपको मिल रहा है। तो अप्लाई कूपन करेंगे तो कूपन अप्लाई करेंगे कितना, VASPASS, और बास पास कोड को अप्लाई करके यही जो मिलेगा आपको इसमें 324 रुपीस में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कंडीशन। मधुकर जी क्या हुआ, बोलिए ना, अब तो बोल सकते हैं, क्लियर है? चलो क्लियर है बात, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। 11:30 बजे भूलना मत, अपनी मास्टर क्लास है 11:30 बजे, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन।